ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मॉड्यूलस की सबसे पहले देख लेते हैं, उसके ऊपर फिर हम लोगों को 20 इलस्ट्रेशंस करने हैं। उन इलस्ट्रेशंस में शुरुआत के जो भी इलस्ट्रेशंस रहेंगे वो सारे अलजेब्रा बेस्ड रहेंगे, जो कि नियम अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर। इसके बाद के जो आखिरी के जो इलस्ट्रेशंस होने वाले हैं उसमें इनइक्वालिटी बेस्ड जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान, वो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ग्रेटर दैन द थर्ड साइड, और इसके साथ ही साथ सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, या फिर मैं कहूँ डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, इसके ऊपर कुछ सवाल हैं, अच्छे सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, तो उसको भी हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं तेज़ी से काम। तो अगर Z1 और Z2 मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसमें देखो सबसे पहली बात, जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर ज़ीरो है, इसका मतलब दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ ज़ीरो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो रियल पार्ट है और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है दोनों बराबर हैं, शून्य के बराबर है। अच्छा, इसका उल्टा भी सही है, मतलब अगर है ना, जाहिर सी बात है अगर मेरे पास एक्स कॉमा वाई है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये चीज़ एक्स है ना, ये वाई है, ठीक है, अगर दोनों ज़ीरो होंगे तो जाहिर सी बात है मॉडुलस ऑफ जेड है ना, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर ज़ीरो है तो ऐसा तभी हो सकता है जब तुम्हारे पास एक्स और वाई दोनों साइमल्टेनियसली ज़ीरो हों। ठीक है, ध्यान रखोगे। अच्छा, इसमें जब इनइक्वालिटीज़ वाले सवाल आते हैं तब थोड़ी मज़ा आनी शुरू होती है। सेकेंड प्रॉपर्टीज़ जिसका बहुत इस्तेमाल हम लोग करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड लिखो, जेड बार का मॉडुलस, ठीक है, यहाँ माइनस जेड का मॉडुलस और माइनस जेड बार का मॉडुलस, ये सारी चीज़ें सब एक बराबर है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, जेड बार में कैसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी उसी के बराबर है। माइनस जेड मतलब माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट है ना, ये भी वही हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और माइनस जेड बार का मतलब हो गया माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। तो ये सारी ही चीज़ें एक बराबर ही है तुम्हारे पास। ठीक, ये हो जाती है मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद इनइक्वालिटीज़ पर तो मैं आखिरी में बातचीत करूँगा। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, ये सारी चीज़ें लिख लिख कर कम से कम 1000 बार तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ये जेड जेड बार ये चीज़ होती है मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये इतनी बार मैं मतलब इस्तेमाल कर चुका हूँ इस चीज़ का, तो मतलब मैं क्या बताऊँ। सबसे फेमस प्रॉपर्टी थर्ड वाली प्रॉपर्टी, थर्ड सेकंड सभी मतलब बहुत बार तुम यूज़ करने वाले हो। ठीक, जैसे लॉज ऑफ इंडाइसेस तुम सीखते थे ना, कि ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम माइनस एन, इस तरह की जो चीज़ें, यही ये भी वही है, लॉज ही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, अलजेब्रा के लॉज हैं ये, अभी एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स अभी से शुरू हो रहा है, तुम ऐसा समझो। ठीक, तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, इसको देखना तो बहुत ही आसान है, ये दिस इज़ नथिंग बट एक्स कॉमा वाई, अगर मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ एक्स कॉमा माइनस वाई से, तो ये हम सभी को पता है कि दिस इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, कॉमा ज़ीरो, ठीक, ऐसा रहता है ये। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखोगे तुम। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस को तुम स्प्लिट कर सकते हो। ठीक, मॉडुलस Z1 मॉडुलस Z2, इसका तो हम लोग पहले सवाल से ही इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इन जनरल तुम ऐसा बोल सकते हो दैट मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन, इसमें सभी को तुम सभी के अक्रॉस कैसा इस चीज़ को स्प्लिट कर सकते हो, ऐसा। ठीक है, अच्छा, इसके प्रूफ की जहाँ तक बातचीत की जाए तो LHS इक्वल्स टू RHS कर पाना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। Z1 Z2 तुम मल्टीप्लाई करोगे और उसका मॉडुलस निकालोगे तो वो उसी के बराबर आएगा, है ना, जो बिकॉज Z1 Z2 जब तुम मल्टीप्लाई करते हो
इसको प्रूफ अगर तुम्हें करना है तो कर सकते हो तुम, थोड़ा सा अलजेब्रा लगेगा और कुछ नहीं है। Z1, Z2 का मॉडुलस, इसको मैं थोड़े छोटे तरीके से करना चाह रहा था एक्चुअल में। ठीक है, कोई इशू नहीं। देखो यहाँ, Z1 तुम A1, B1 ले लो, ठीक है, और Z2 A2, B2 अगर उठाते हो, है ना, तो Z1, Z2 तुम्हारे पास हो जाता है A1, B1, है ना, A2, B2, तो ये चीज़ हो जाती है A1, A2 -B1, B2, ठीक है, कॉमा A2, B1 +A1, B2। इसका मॉडुलस अगर तुम खींचोगे तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, ये हो जाता है काम। और मॉडुलस Z1 अगर देखें तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लो पहले। ये ऐसा लिख सकते हो इसको, ठीक है, अच्छा, जो -2 A1 A2 B1 B2 है वो तो कैंसल आउट हो जाने वाला है, ठीक है, तो ये मसाला इसके बराबर हो जाता है। अच्छा, अब जब तुम मॉडुलस ऑफ Z1 मॉडुलस ऑफ Z2 करोगे तो ऑब्वियसली वो उसी के बराबर आ जाएगा, पावर सेम है ना। ठीक, जब तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर के साथ और फिर A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर के साथ, ठीक है, यहाँ देख सकते हो ना, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर के साथ देन B2 स्क्वायर के साथ, तो वही चीज़ यहाँ भी है, वही आ रहा है बेसिकली, ठीक है, ये ऐसा वही आ रहा है, ठीक है, बोथ दीज थिंग्स आर इक्वल। ठीक, तो उसको जनरलाइज कैसे कर लिया है मैंने, तुम इसको ऐसा देख सकते हो कि मान लेते हैं Z1, Z2 और Z3 है ना, इसका मॉडुलस अगर है तुम्हारे पास तो इसको तुम ऐसा कर लो, Z1, Z4 कर लो, ये चीज़ हो जाती है Z1, Z4, है ना, इसको तुम ऐसा कर लो Z1, समझ ही गए होगे अब तो, Z4 को ऐसा कर लो Z2, Z3, है ना, और फिर उसको खोल दो ऐसा Z2, Z3, ऐसा कर सकते हो तुम, ठीक है, तो इस तरह से जनरलाइजेशन किया जा सकता है, जनरलाइजेशन इज पॉसिबल। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे ही मान नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा अगर हम लोग उसको वर्कआउट कर लें कुछ नियमों को तो कोई बुरी बात नहीं है, इस तरह से प्रूफ करने वाला नेचर एक इंसान का होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। ये मतलब ध्यान रखना, मॉडुलस तुम जब कभी भी लेते हो और प्रोडक्ट फॉर्म में अगर अंदर मसाला है तो स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ का। अच्छा, इसके बाद देखो मेरे पास, मैं डिवीजन के अक्रॉस भी स्प्लिट कर सकता हूँ, इसका प्रूफ तुम खुद से वर्कआउट कर लेना, ठीक, ऐसा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के अक्रॉस उसको स्प्लिट किया जा सकता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर Z2 0 नहीं होगा। ठीक, तो इसको ट्राई करना, इसको प्रूफ करने का, ठीक है, ट्राई करो ज़रा। अच्छा, इसको
देखो वाया प्रोडक्ट रूल ही तुम इसको प्रूफ कर सकते हो, समझ रहे बात? इसको वैसे तो मैं होमवर्क में दे रहा था लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। देखो इसको ऐसा लिख लो, जेड वन वन अपॉन जेड टू, ऐसा कर लो इसको। अब वन अपॉन जेड टू को जेड थ्री बोल लो, तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी? मॉडुलस ऑफ जेड वन वन अपॉन जेड टू का मॉडुलस, ऐसा हो जाता है। तो वन अपॉन जेड टू का मॉडुलस ना, ये इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वन अपॉन जेड टू का मॉडुलस? ऑब्वियसली ऐसे अगर तुम्हारे पास एक रियल नंबर लिखा हुआ है ऊपर न्यूमरेटर में और मॉडुलस अगर तुम चला ले उस पर, ठीक है, अगर किसी ने मान ले तो किसी किसी मूर्ख ने अगर तुमसे ये पूछा वन अपॉन जेड टू इसका मॉडुलस और इसका मॉडुल, ये दोनों चीज़ें ये कैसे आप बराबर करोगे, तुम उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये अगर किसी ने तुमसे, बहुत ही ट्रिवियल सी बात है वैसे तो ये चीज़ लेकिन अगर किसी ने तुमसे पूछ ली इसको, तो खैर मेरे को बातचीत करते हुए भी थोड़ा सा बचकानी सी बात लग रही है वैसे ये बहुत, लेकिन अगर किसी ने अगर ये पूछा इसको कैसे बताने वाले हो तुम फिर? तो यहाँ देखो मतलब उतनी छोटी बात भी नहीं है ये, समझे? देखो ये वन अपॉन जेड टू जो है उसको मैं ऐसा अगर बोल देता हूँ, ये ऐसा कुछ एक्स कॉमा वाई, समझ रहे हो बात? इसका मॉडुलस हो गया, ये इसके बराबर हो जाता है। तो एक्स कॉमा माइनस वाई से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, है ना, तो नीचे तो जनरेट हो जाएगा भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एक नंबर है। ऊपर मेरे पास जनरेट हो जाता है एक्स कॉमा माइनस वाई। अब देखो मॉडुलस जब मैं करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं बाहर रख सकता हूँ और ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये चीज़ ऐसी भी लिखी जा सकती है, मॉडुलस ऑफ एक्स कॉमा माइनस वाई, है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब तुम ऊपर नीचे इसको कैंसिल आउट करोगे तो दिस इज़ नथिंग बट वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ सेम एज दिस थिंग, ये अगर तुम देखो तो इसी के बराबर ही है ये, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। खैर तो इसमें बात ऐसी है, तुम डिवीजन साइन के अक्रॉस भी स्प्लिट मार सकते हो बिना किसी दिक्कत या परेशानी के, ठीक है। अच्छा इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, है ना, इसके बाद एक बड़ी रोचक चीज़ देखो दिखाएं, जैसे जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर अगर तुम्हें करना है, ऐसा अगर लिखा है ये ऐसा, ठीक है, तो इसको देखो तुम कैसे टैकल करोगे, ऐसा करना है इसको जेड वन प्लस जेड टू, ऐसा जेड वन प्लस जेड टू का बार, मेरे को पता है कॉन्जुगेट वाला जो साइन है उसको तो मैं ठोक सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ, ऐसा लिख लो इसको, समझे बात? जेड वन बार प्लस जेड टू बार, ऐसा ऐसा कर लो इसको। अब जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो जेड वन बार वो ऐसा हो जाता है, सिमिलरली जेड टू बार वो ऐसा हो जाएगा, और फिर आएगा तुम्हारे पास जेड वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड वन बार। दिस फॉर्मेट इज़ वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन अलजेब्रा, ठीक, रिमेंबर दिस, ठीक है। अच्छा इसमें खास बात देखो एक और है, बहुत बहुत खास बात है इसमें, जेड वन जेड टू बार है ना और जेड टू जेड वन बार अगर देखा जाए ध्यान से तो दिस इज नथिंग बट जेड वन जेड टू बार प्लस
जेड वन जेड टू बार का कॉन्जुगेट। ठीक, तो ये देख रहे हो क्या, मतलब जेड प्लस जेड बार इज व्हाट, रियल पार्ट ऑफ जेड, है ना। तो ये कायदे से है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ जेड वन जेड टू बार, ऐसा। ठीक, तो देयरफॉर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इस चीज़ को, इसको कर लो। अच्छा, अब देखो थोड़ा सावधान रहो, दिस इज़ एक्चुअली टू टाइम्स ऑफ, है ना, रियल पार्ट ऑफ ये। ठीक है, ध्यान रखना, z प्लस z बार इज टू टाइम्स ऑफ z प्लस z बार इज टू टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z, नॉट रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, और टू का जो फैक्टर, वही मेरे को लगा दो कैसे गायब हो रहा है भाई, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये फॉर्मेट भी तुम्हें पता रहनी चाहिए, बट दिस इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये तो मैं, मतलब ये तो अपनी रोजी रोटी रहने वाली है। अच्छा, सिमिलरली अगर z1 माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर लिखने की अगर बात आई, तो क्या कर लोगे, z1 माइनस z2 ऐसा। ठीक है, ये कर लेना काम, ये चीज़ हो जाती है तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस z1 z2 बार माइनस z2 z1 बार। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, कैसे क्या, ये सब तुम्हें पता है बहुत अच्छे से, दिस फॉर्मेट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना, ये वाली चीज़ याद रखने का। ठीक है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके बाद ऑब्वियसली अगर तुम सिक्स और सेवन को अगर जोड़ दो, छः सात और ये आठवां इसको कर देता हूँ मैं, तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। छः और सात को अगर तुम जोड़ दो, देखो तो क्या आता है, इस कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ ऐसा। इसका भी इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं, करेंगे ही करेंगे, मतलब ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसको मेरी डब्बा करने की इतनी इच्छा हो रही है, क्या बताऊँ, बहुत महाभीषण भयंकर इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, अच्छा, ये टर्म भी याद रखने का, ये वाली चीज़ भी याद रखना, ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी। ठीक है, ये तो मतलब, ये तो मैं क्या बताऊँ, इसको तो बोल बोल के थक गया मैं, कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये चीज़ें लिख लिख कर तुम एक्चुअल वर्कआउट करते रहे हो इसका, है ना। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में मैं वैसे तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिवाइज़ करवा दूँ, जेड वन है ना और ये जेड टू, तुम इसको कोऑर्डिनेट्स की तरह लिया करो, जो दोनों के बीच की दूरी रहेगी दैट विल बी z1 माइनस z2 का मॉडुलस। इसके बारे में हम लोग लास्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, द टू पॉइंट्स गिवन बाय अ फिक्स z1 एंड z2। ठीक है, फिक्स मतलब पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके बाद पावर को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मॉडुलस ऑफ जेड की पावर एन, है ना, या फिर मैं कहूँ इसको सही फॉर्मेट इसका लिखने का ऐसा होगा, अगर कभी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर, कोई भी पावर हो चाहे, नेचुरल नंबर ऑब्वियसली, नेचुरल नंबर ज़रूरी नहीं है, ठीक है क्या, वो एक रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी पावर हो, कैसी भी पावर हो, तो इसमें तुम मॉडुलस को अंदर घुसा सकते हो ऐसा, बहुत बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, मॉडुलस की पावर तुम ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर ना करके उसमें मॉडुलस की पावर तुम उसको चढ़ा लो। ठीक है,
अच्छा, अब इनइक्वालिटीज़ पर आते हैं अपन। इनइक्वालिटीज़ पे तो यार मेरा इतना बातचीत करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है एक्चुअल में। तो इनइक्वालिटी रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्योमेट्री याद दिला दूँ। इसे याद करो, अपने पास था z1, z2, अपन ने बनाया z1 प्लस z2, है ना? ये बनाया अपन ने z1 प्लस z2। अच्छा, तो ये ट्रायंगल अगर हम लोग देखें, ये वाला, ठीक है, तो इसमें ये बात तो आ जाती है, थर्ड साइड है ना, ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स, क्या कर लो इसको, सम ऑफ टू साइड्स है ना इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन ही लगाओ ना, इक्वालिटी का तो कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा। तो इसको किस फॉर्मेट में लर्न करेंगे, ऐसा इस फॉर्मेट में, इसको रट्टा मार लेना, ये भयंकर काम आएगा तुम्हारे, भयंकर ये तो महाभीषण इम्पोर्टेंट बहुत काम आने वाला है ये, ठीक, लेस देन इक्वल टू के टर्म्स में ही लर्न करो, चलो कोलिनियरिटी वाला केस भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं साथ ही साथ, ठीक। अच्छा, अब याद करो, एक अपने पास सब्ट्रैक्शन के केस में भी ट्रायंगल बनता है, ठीक, याद करो, जैसे ये हो गया z1, ये हो गया मेरे पास z2, तो -z2 कुछ यहाँ पर रहेगा, है ना, और जब ये दोनों को ऐड अप अपन करेंगे तो z1 -z2 आएगा, है ना। अच्छा, अभी डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ठीक है, मुझे नहीं पता कि कौन सा वाला एक्चुअल में बड़ा है, इसलिए और एक मॉडुलस लगा दिया है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेसर देन, है ना, और इक्वल टू द थर्ड साइड, ठीक है, ऐसा समझ ली बात, तो ये बात है, ठीक। नहीं, इसको अगर मैं लिखूं, इसमें देखो थोड़ा, मैं एक्चुअल में थोड़ा छेड़छाड़ करने वाला हूँ, इसको ऐसा लिख लो, ठीक है। अच्छा देखो, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, -z2 इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, -z2 को जैसे मैंने लिख लिया, लेट्स से z3, -z2 आई हैव टेकन टू बी z3, ठीक, तो ऑब्वियसली -z2 का मॉडुलस इज सेम एज z3 का मॉडुलस, क्या कहते हो, -z2 का मॉडुलस इज सेम एज z3 का मॉडुलस, है ना, तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू मैं ऐसा भी लगा सकता हूँ, मॉड z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z3, ऐसा, ठीक है। अब z3 बोलो z2 बोलो एक ही बात है, ठीक है, इन जनरल मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट z1 प्लस z2 ये किससे हमेशा बड़ा रहेगा, इससे हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है, दिस यू नीड टू रिमेम्बर, और किससे हमेशा छोटा रहेगा, इससे हमेशा छोटा रहेगा, ठीक, दिस इज द समरी, ठीक, दिस इज द समरी। इस वाले ऊपर वाले को तो तुम जनरलाइज भी कर सकते हो, ठीक है, किस प्रकार से करोगे, देखो यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो अच्छे से बताया रहता है इसको,
ये वैसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, छूटनी नहीं चाहिए दरअसल। देखोगे ध्यान से है ना, इनक्वालिटीज़ पर मैं थोड़ा सा तुम्हारी कमांड बना दूँ अच्छे से। इसे मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री है, ये लेस देन इक्वल टू, तुम ऐसा ठोक लो इसको, ये जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री ऐसा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग अच्छा खासा यूज़ करेंगे। कैसे आया ये, तुम सीधा सिंपल इसको ऐसा देख सकते हो, प्रूफ। ये तो ऐसा कर लो, जेड वन प्लस जेड फोर कर लो इसको, है ना, इज़ लेस देन इक्वल टू, ये तो अपने को पता ही है क्यों आता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है तो। अच्छा अब क्या कर लो, ये मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड फोर को ओपन करो जेड टू प्लस जेड थ्री में, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस से देखो, लेस देन इक्वल टू वाले साइन में मैं इससे बड़ी चीज़ यहाँ पर रख सकता हूँ बेशक, जैसे क्या है, मान लेते हैं एक्स है लिखा हुआ टू प्लस थ्री ऐसा, है ना, तो इससे बड़ा अगर मैं कुछ रखूँगा तो जाहिर सी बात है उसको कोई तकलीफ थोड़ी होगी। तो इसका कैसे मैं करता हूँ, देखो ये जिस तरफ मुँह खुला हुआ रहता है ना उस तरफ बड़ी चीज़ रहती है, समझे, जिस तरफ इनइक्वालिटी का जो मुँह है वो खुला रहता है, मुँह मतलब ये वाला साइड बोल रहा मैं, ये वाला साइड, तो उस तरफ तुम और अगर बड़ी चीज़ रख दो तो कोई इशू नहीं होता है, समझ गए, जैसे समझ गए हो गए अब तो मेरे ख्याल में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स इज़ लेस देन वाई ऐसा, तो वाई को अगर और बड़ा अगर बना देते हो तो कोई इशू नहीं है, इसी तरह से एक्स को अगर और छोटा बना देते हो तो कोई इशू नहीं जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ देखो वही वाली हरकत मैं कर रहा हूँ, है ना, मॉडुलस ऑफ जेड टू प्लस जेड थ्री, है ना, मॉडुलस ऑफ जेड टू प्लस जेड थ्री, इससे बड़ी क्वांटिटी अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो कोई इशू नहीं है, क्या कहते हो, ठीक है। है कि नहीं, तो ये चीज़ आ जाती है तुम्हारे पास। तो इन जनरल तुम ऐसा बोल सकते हो दैट मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री एंड सो ऑन सो फोर्थ इज लेस देन इक्वल टू, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत फेमस भी है ये, ठीक। अच्छा और इसके साथ ही साथ जो आखिरी ज़रूरी चीज़ है कि ये चीज़ हमेशा किससे बड़ी रहेगी, हमेशा इससे बड़ी रहेगी वो, ठीक। अच्छा और ऑल्सो ये भी मैंने करके दिखाया तुम्हें, ये भी हमेशा किससे बड़ा रहेगा, इसी से बड़ा रहेगा, ठीक। तो ये दोनों ही चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है, बात दोनों ही बातों का तुम्हें ध्यान रखना है बढ़िया प्रकार से, है ना। अच्छा इसके आगे बढ़ते हैं हम, ये इसको भी थोड़ा देख लेना, ये वाली चीज़ है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका भी वर्कआउट कर लियो। ठीक है ना, ये भी अच्छा है, ये भी ठीक ठाक प्रूफ है, ठीक है। तुम इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे वैसे, जेड वन प्लस, इसको देखो ऐसा कर लो, जेड वन माइनस माइनस ऑफ जेड टू ऐसा, अब कैसी रही,
अगर मुझे सिर्फ इसको अगर साबित अगर करना है ना, तो कैसे कर सकता हूँ मैं ऊपर वाले की मदद से, ऐसे ये देखो जेड वन प्लस जेड टू ऐसा कर लो, मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस जेड टू ऐसा कर लो बिंदास, और इसका मतलब ये चीज़ इसी के बराबर आ जाएगी, दैट इज जेड वन माइनस जेड टू का मॉडुलस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू जेड वन का मॉड माइनस जेड टू का मॉड का मॉडुलस, ऐसा ठीक है, ध्यान रखो। तो ये ऐसे भी किया जा सकता है, दिस इज बेटर, ठीक है। तो अल्टीमेटली वन लाइन तुम्हारे पास क्या बनती है, ये जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू, ठीक, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बस ये अल्टीमेट लाइन है, दिस इज द स्टार लाइन, ये गजब की लाइन है ये चीज। तो ये भाई याद रखियो, सारी इनइक्वालिटीज़ का, सारी इनइक्वालिटीज़ वाले सवालों का ये मुंह तोड़ जवाब रहेगा, और इसका मैं तुमको इस्तेमाल कर करके दिखाऊंगा अलग अलग सवालों में, कुछ ब्रेन टीजर टाइप के सवाल रहते हैं देखना इनइक्वालिटीज़ वाले, ध्यान रखो। अच्छा, कॉम्प्लेक्स के सवालों की खास बात ये रहती है कि थोड़ा खूबसूरत ज़्यादा रहते हैं, तो कहीं उसकी खूबसूरती में ना खो जाना सवाल, कई बार तुम्हें इस तरह का दिखेगा, ऐसा फॉर्मेट वगैरह लोकस वगैरह या फिर इस तरह के सवाल इस टाइप के दिखेंगे कि उसकी खूबसूरती में एक इंसान खो सकता है, तो वो अपने को बचना है उससे। बी लॉजिकल, कौन से सेक्शन में से आया है सवाल को, है ना, वो तुम्हें देखना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाए हुए कंटेंट पर, अपन ने जो अभी पढ़ाई की है उस पर भरोसा रखना है। कई लोग सवाल की खूबसूरती में ऐसा खो जाते हैं कि उनको अपने किए पर भरोसा ही नहीं रहता कि अरे हम लोगों ने किया ही किया है करके, ये फीलिंग आ जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो पांव ज़मीन पर रखना है, ऐसा ना हो कि भाई सवाल को देखते बराबर ही अपन ऐसा लड़खड़ा के गिर पड़े, वो चीज़ से बचना है। खैर, सवाल अब करना शुरू करते हैं। तो पहला अलजेब्रिक सवाल है, मॉडुलस के ऊपर ही है, तब तो दिख ही रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू देखो तुमको किसके बराबर शो करनी है, शो दैट टू इंटू फाइव इंटू टेन, ये तो दिख ही रहा है ओवरऑल एकदम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो यहाँ सबसे पहले गिवन क्या है, दैट एक्स कॉमा वाई किसके बराबर है तुम्हारे पास, वन प्लस आई, वन प्लस टू आई, वन प्लस थ्री आई एंड सो ऑन अप टू वन प्लस एन आई, ऐसा दोनों साइड मॉडुलस उठाओ और उसका स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब देखो मॉडुलस जब तुम आरएचएस में लोगे और हर एक में टपकाओगे, समझे, तो वन प्लस आई का मॉडुलस और फिर स्क्वायरिंग भी कर रहे हैं, तो वन प्लस आई के मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो वो चीज़ कितनी होती है, एक्स कॉमा वाई का मॉडुलस का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, रिमेंबर दिस, ये बात तो याद रखने को होना, ठीक, वो याद क्या रखने को होना है, तो अपने को मतलब घर की खेती है। तो ये हो जाता है वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, है ना, सिमिलरली वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर एंड सो ऑन, वन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, तो बस हो गया फिर, दो पाँच दस ऐसा करते हुए वन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, बराबर आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, लिखते हैं ना छोटी क्लासेस में, क्या बोलते हैं। तो अब ये तो सवाल एक्चुअल में कभी तुम्हारे सामने ये बोलकर तो आएगा नहीं कि मॉडुलस लेना है, लेकिन अब मेरे को एक बात बताओ, इसको देखते बराबर क्या ये नहीं चमकेगा एक इंसान को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का लिया जा रहा है, क्या बोलूँ अब मैं, तो मॉडुलस के अभी तुम इतने सवाल बनाओगे कि ये चीज़ तुम्हारे अच्छे दिमाग में बैठ जाएगी, कभी अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखे अगर, तो दैट इज़ नथिंग बट मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक, दिस इज़ नथिंग बट मॉडुलस का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। अगला इलस्ट्रेशन है
इसमें जेड को बोला गया है कि ये एक्स प्लस आई वाई के बराबर है, यानी एक्स कॉमा वाई। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। एक दूसरा ओमेगा तुमको दिया हुआ है ना। अच्छा, इस टाइप के सवाल मुझे बड़े पसंद है, ये बनते ही बनते हैं एकदम श्योर शॉट, है ना। तो अच्छा बोला जा रहा है, स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से देखो, ओमेगा का मॉडुलस वन ये इम्प्लाई करता है कि जेड इज़ प्योरली रियल, ये चीज़ साबित करनी है। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, अब इसमें अलजबरा में बड़ी मजा आती है इसमें, और यही फेवरेट पोर्शन है एक्चुअल में मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो देखेंगे ज़रा ध्यान से, ऐसे मॉडुलस ऑफ ओमेगा ये वन है, ये तो मतलब है ये कंडीशन। तो यहाँ से मेरे को ये साबित करना है कि जेड फिर प्योरली रियल आएगा, ठीक, यानी वाई बराबर ज़ीरो। तो देखो कैसा, वन माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई का मॉडुलस अगर वन है, तो इससे क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है वो देखो। पहले तो मॉडुलस को सप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, वन माइनस आई जेड है ना, और डिनोमिनेटर में भी सप्लाई करोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा अब देखो बड़े प्यार से, जेड तुमको देकर रखा है एक्स कॉमा वाई है, ठीक, तो वन माइनस आई एक्स प्लस आई वाई है ना, मैं ओपन कर दे रहा हूँ जेड को, इसका मॉडुलस लेना है मेरे को बराबर एक्स प्लस आई वाई माइनस आई, इसका मॉडुलस उठाना है। अच्छा तो यहाँ मेरे पास माइनस आई स्क्वायर वाई है, ठीक, तो वो हो जाएगा प्लस वन प्लस वाई माइनस आई एक्स का मॉडुलस, क्या कहते हैं, बराबर एक्स प्लस वाई माइनस वन आई, ऐसा है ना। दोनों साइड अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाता है देखो, वन प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, बस ख़त्म है। आप तो ये चीज़ हो जाती है ऐसा कुछ, है ना, ठीक बात। तो ये तो हटा लो फिर, ये सारी चीज़ें तो बकवास है। इससे देखो आ जाता है फोर वाई बराबर शून्य, तो मैं बोल सकता हूँ कि वाई बराबर ज़ीरो है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जो है उस नंबर का वो ज़ीरो हो गया, इसका मतलब जेड इज़ प्योरली रियल, शुद्ध एकदम देसी, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये तो वार्म अप है, आगे कुछ अच्छे सवाल भी मैं लेकर आया हूँ ना, बढ़िया वाले। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है फिर। अच्छा, इसमें सीधा मॉडुलस को तुम देख रहे हो किस तरह से मैंने सप्लाई वगैरह किया है, ठीक है, ये ध्यान रखो ये सब। तो ये स्टेप्स वगैरह ये सब में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से बताया जा रहा है उन चीज़ों को थोड़ा स्किल एब्जॉर्ब करना है उस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 35। सवाल है, अल्फ़ा और बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और बोला जा रहा है बीटा अगर वन के बराबर है, देखो मॉडुलस बीटा कभी भी अगर ऐसा तुम्हें अगर दिया जाए तो समझ जाना बीटा स्क्वायर भी वन होगा, और बीटा बीटा बार बराबर, ये मतलब बहुत कॉमन है ये चीज़, बीटा बीटा बार तुम्हारे पास वन आ गया। अच्छा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इस तरह के सवाल कभी रोक ही नहीं सकते नंबर लेने से तुमको, ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, सिंपल अलजेब्रा वाले जो सवाल होते हैं, इसकी वैल्यू वैल्यू निकालो, मॉडुलस वगैरह दिख रहा है, तो एक बहुत बड़ा बकलोल ही होगा जो ये सारे सवाल छोड़ दे। देखो कैसे बताते हैं सवाल, देखो पहली बात तो बीटा बीटा बार तुमको दिया हुआ है वन है, अब देखो बड़े प्यार से इसमें जादूगरी कैसे की जाती है, इसका मतलब बीटा बार कितना हो गया भाई, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली, क्योंकि वो इसीलिए बता रहा हूँ, वन बाय बीटा है। अच्छा अब देखो ध्यान से, बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ठीक है, तो ऐसे ही हो गया, इसका मॉडुलस करना है। अच्छा तो बीटा की जगह अपन ये लिख लेते हैं ना, वन अपॉन बीटा बार माइनस वन, ठीक है, वन माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ऐसा। अब क्या करो, बीटा बार से अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो देखो क्या आएगा, वन माइनस बीटा बार अपॉन बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, और बीटा बीटा बार तो वो तो वन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ये आ रहा है मसाला।
ठीक है। अच्छा अभी इसको देखो क्या करो। अरे यार ये तो समस्या हो गई। ये अल्फा कहाँ गया बे? अरे अल्फा ही गायब हो गया यार, वही तो मेरे को लगा कहाँ कचरा हो रहा है। ठीक है ये अल्फा है, तो अब तो हो गया ये काम बढ़िया। बीटा बार, तो ये अल्फा इधर, ठीक है। और यहाँ एक्चुअल में मुझे बीटा की ज़रूरत पड़ेगी। देखो नीचे मैं बीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, कर भी सकता हूँ, है ना। देखो कैसे, इसको ऐसा लिखो 1 माइनस बीटा बार अल्फ़ा अपॉन, यहाँ बीटा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ऐसा कर लो, ठीक है। तो नीचे अगर बीटा से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी कर लेते हैं, है ना, और मॉडुलस लगा लेते हैं ऐसा। अच्छा अब देखो क्या पर्पस क्या था इस काम को करने का। बीटा बीटा बार तो तुम्हारे पास 1 हो गया, ये मॉडुलस ऑफ बीटा ये 1 होके बाहर निकल जाएगा, उसको भी छोड़ो। तो 1 माइनस बीटा बार अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा आ गया तुम्हारे पास, ये चीज़ है। अच्छा अब देखो बड़े प्यार से, 1 माइनस बीटा बार अल्फ़ा है ना का मॉडुलस, और देखो ये क्या लिखा, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार पूरे का कॉन्जुगेट का मॉडुलस लिखा हुआ है, मतलब ये पूरे का कॉन्जुगेट का मॉडुलस लिखा हुआ है, देख रहे हो। कॉन्जुगेट को 1 में अगर डालोगे तो उधर तो कुछ होगा नहीं, माइनस अल्फ़ा बीटा बार का कॉन्जुगेट अगर तुम करोगे तो अल्फ़ा बार बीटा आएगा। अब अपने को पता है ये प्रॉपर्टी कि कॉन्जुगेट का अगर अपन मॉडुलस उठाते हैं तो वो इसके बराबर होता है, तो वही चीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये देखो अल्फ़ा बीटा बार अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार ये ऐसा हो जाएगा। तो ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, आएगा तुम्हारे पास फिर 1, ठीक है। दिस इज़ द आंसर, ठीक। तो जो इस तरह के सवाल रहते हैं अलजबरा वाले, ये अपने फेवरेट रहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, और यही आते भी हैं मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर, जहाँ तक। तो ज़्यादा अगर उसने हाई फंटूस गिरी अगर झाड़ी तो वो फिर बनते नहीं हैं लोगों से, लेकिन उसमें भी तुमको घबराना नहीं है, है ना। तो उसमें संयम बनाए रखना है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था तुमसे, चीज़ें लॉजिकल रहती हैं। बहुत बार लोग अक्सर सवाल की फॉर्म को देख के कई बार इतना घबरा जाते हैं कि उसमें फिर बैकआउट कर जाते हैं, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। कम से कम थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए, अगर फिर भी अगर बिल्कुल नहीं बन रहा तो उसको बाद के लिए छोड़ कर रखना चाहिए, अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत उसमें सवाल में बनने की गुंजाइश है तो। लेकिन पेपर हमेशा इसीलिए राउंड में करने चाहिए, मतलब 2-3 राउंड करने चाहिए पेपर को, ठीक। तो पहले राउंड में हमेशा उस तरह के सवालों को टैकल कर लेना चाहिए जो कि मतलब श्योर शॉट बनेंगे ही बनेंगे, एकदम पक्का इस टाइप के सवाल रहते हैं, जैसे वर्क वगैरह वाले सवाल हो गए कुछ, या फिर जो तुम्हारे वेक्टर्स वगैरह के आसान सवाल हो गए ऐसा। तो ये सारे सवाल कैसे रहते हैं, वेक्टर लाइन 3D प्लेन ये सब के जो सवाल रहते हैं ये सब बनते ही बनते हैं। और कुछ ऐसे चुनमुन टाइप के सवाल, जैसे सीक्वेंस ऑफ सीरीज़ वगैरह के कुछ हो गए इस टाइप के, तो कुछ चुनमुन सवालों को पहले उठाकर कम से कम 30-30 सवाल के 3 सेक्शन में से 5-5 सवाल तो कम से कम कर ही लो हर सेक्शन में से, है ना, हर सब्जेक्ट में से ऐसा ध्यान रखो। अच्छा खैर अब बिना और टाइम पास किए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो सवाल 36 है ना। अच्छा ये आई ना बात, तो इसमें तो मॉडुलस का पूरा गेम लग रहा है। देखो जेड क्यूब तुमको दिया हुआ है, जेड बार के बराबर है। अच्छा तो दोनों साइड में मॉडुलस उठा लेता हूँ, और करूँगा भी क्या, है ना। जेड क्यूब मेरे को दिया है जेड बार के बराबर, ये तो एक लाइन में आ रहा है, देखो मॉडुलस ऑफ जेड क्यूब। लेकिन मैं तुमको थोड़ा प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए दिखा रहा हूँ ऐसा। अब देखो जेड का मॉडुलस का क्यूब लिख सकता हूँ इसको मैं, बाय प्रॉपर्टी याद करो, जेड की पावर एन का मॉडुलस कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है ना। तो उसका इस्तेमाल किया है मैंने। अच्छा अब इसको तो अपन ऐसे जानते ही हैं, ठीक। मॉडुलस ऑफ जेड इज़ अ रियल नंबर, ये बात तुम्हें तो खैर मैं बता ही दूँ, इज़ अ रियल नंबर, ठीक।
तो यहाँ अब तुम्हारे पास मॉडुलस ऑफ जेड आ चुका है, बराबर शून्य। तो मॉडुलस ऑफ जेड को अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स कंसीडर कर लेता हूँ, देन इसको एक्स नहीं, इसको ओमेगा मान लो ऐसा। तो ओमेगा तो यार कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है, इसको कुछ क्या बोलें यार अब, चलो छोड़ो मॉडुलस ऑफ जेड ही रहने दो। तो मॉडुलस ऑफ जेड बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा अपने पास मॉडुलस ऑफ जेड माइनस वन मॉडुलस ऑफ जेड प्लस वन, ऐसा कुछ। अब जेड ज़ीरो तो है नहीं, देखो लिखा हुआ है, ठीक, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ जेड कांट बी ज़ीरो। तो इसको तो तुम कैंसिल ऑफ कर सकते हो, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ जेड हैज़ टू बी वन, क्योंकि मॉडुलस ऑफ जेड कभी भी माइनस वन तो आएगा नहीं, तो ये भी हटा लो, ठीक। तो ये बात है। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, देखो मॉडुलस ऑफ जेड, नहीं नहीं ठीक है सब। तो मॉडुलस ऑफ जेड अगर तुम्हारे पास वन है, तो इसका स्क्वेयरिंग अगर मैं करता हूँ, मॉडुलस ऑफ जेड अगर तुम्हारे पास वन है तो जेड क्या क्या हो सकता है, देखो जेड हो सकता है ज़ीरो कॉमा वन, है ना, पॉसिबल वैल्यूज ज़ीरो कॉमा माइनस वन, या फिर वन कॉमा ज़ीरो, या फिर माइनस वन कॉमा ज़ीरो, यही हो सकता है और क्या होगा। क्योंकि अगर एक यूनिट दूरी पर अगर कोई है चीज़ तुम्हारे पास, ये क्या लिखा हुआ है, देखो डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, है ना, यही तो लिखा है डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन इज वन यूनिट। तो जेड कहाँ कहाँ पर हो सकता है, यही सारे पॉइंट्स हैं और क्या है ना, कि और भी पॉइंट्स रहेंगे, और भी पॉइंट्स रहेंगे। देखो देखो ऐसा एक सर्कल हो जाएगा ये, ठीक, जेड लाइज ऑन द लोकस ऑफ अ सर्कल ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक, ये ओरिजिन है तुम्हारा और वन यूनिट का ये तुम्हारा रेडियस है, ठीक। तो दीज आर सम ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशंस। पर इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक, तो है ना, इसके इसके कुछ सॉल्यूशंस मैंने तुम्हें बताए हैं, पर इसमें कोई भी तुम अगर एक ऐसा पॉइंट ले लो जो कि एक यूनिट दूरी से है ओरिजिन पर, तो वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू वन, वो उस चीज़ को सेटिस्फाई कर जाएगा। मेरा चार्जर, एक मिनट, हाँ, तो ध्यान रखना मैंने कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस तुम्हें बताए हैं, ठीक है, इसको जिस तरीके से सॉल्व किया है ठीक है, इसमें कुछ और तो कर नहीं सकता था मैं, थोड़ा पानी पी लूँ यार, दो मिनट रुकोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, जेड इज़ द अफिक्स ऑफ अ पॉइंट सच दैट, ठीक है, देखो यहाँ सवाल काफ़ी आसान सा है ये। तो जेड वन जेड टू जेड थ्री और जेड फोर आर द अफिक्सेस, अफिक्स का मतलब कोऑर्डिनेट्स होता है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसा, ठीक है। अफिक्स का एक्चुअल मीनिंग रुको ज़रा देखना दो एक सेकेंड,
कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट कर लो और क्या, ठीक है क्या? आर्गन प्लेन में एफिक्स ऑफ फोर पॉइंट्स है ना, कोऑर्डिनेट कर लो इसको, ठीक है। खैर वही मैंने जैसा कि तुम्हें वीडियो के पहले में भी कहा था, शुरुआत में भी कहा था, खैर तो ऐसा कहा जा रहा है कि Z1, Z2, Z3 और Z4 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर पॉइंट्स इन द आर्गन प्लेन, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन। Z इज द अफिक्स ऑफ अ पॉइंट सच दैट, अच्छा ये अपने को दिया हुआ है, गिवन है, ठीक। तो इसका मतलब Z इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इस चीज़ का मतलब हो जाएगा Z इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Z1, Z2, Z3 एंड Z4, ठीक है। ये चारों पॉइंट से Z तुम्हारा इक्विडिस्टेंट है। देन प्रूव दैट Z1, Z2, Z3, Z4 आर कॉन्साइक्लिक। तो ये चीज़ तो होगी होगी ऐसा, क्योंकि तभी हो सकता है, देखो ध्यान से, जब तुम्हारे पास सर्कल पर लाई कर रहा हो है ना Z, और Z1, Z2 है ना, तो Z1, Z2 उसमें तुम्हारे सर्कल पर लाई कर रहे हो, Z1 से लेकर Z है ना, और Z क्या है तुम्हारे पास, सेंटर ऑफ द सर्कल हो जाए। ये वाली सिचुएशन में हो सकता है कि इक्विडिस्टेंट रहेंगे है ना, या फिर देखो एक दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे अगर एक मैं स्क्वायर कंसीडर करता हूँ, ठीक, जिसका कि सेंटर Z है और जिसके कि तुम्हारे पास जो वर्टाइसेस हैं वो दे आर गिवन बाय Z1 से लेकर Z4 तक, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन ऑल्सो Z इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टाइसेस, ऑल द कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो इसमें ध्यान रखना दोनों ही सिचुएशंस में है ना, आइदर इन केस वन है ना या फिर केस टू, ये दो ही केसेस पॉसिबल हैं। इन दोनों ही केसेस में चारों के चारों जो पॉइंट्स रहेंगे दे आर कॉन्साइक्लिक, ठीक है ना, इन दोनों ही केसेस में दे आर कॉन्साइक्लिक, क्योंकि यहाँ तुम देख सकते हो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। तो अपोजिट एंगल्स अगर 90 90, अपोजिट एंगल्स का जोड़ अगर 180 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये कॉन्साइक्लिक है, एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं, ठीक। एक थ्योरम रहता है तुम्हारा, छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सवाल तो हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। ये सब कभी कभार इस तरह के सवाल मैच द कॉलम वगैरह में आ जाते हैं, या फिर जैसा भी, अभी तो ऑब्जेक्टिव में चार ऑप्शन वाले चल रहे हैं, तो सवाल को पूछने का ढंग कैसा अलग अलग हो सकता है, अपनी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को भी, मतलब क्या बोलूँ अब, ये तो बोल बच्चन वाला सवालों में कैटेगरी में आ गया, कुछ इसमें खास ऐसा दिमाग नहीं लग रहा था। हाँ लेकिन अगर किसी को ये डिस्टेंस फार्मूला अगर पढ़ना ही नहीं आता है, फिर बेचारा क्या करेगा वो, ये अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना कि दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम Z1 है ना, सिमिलरली दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम Z2, दिस इज डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम Z3 है ना, सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम Z4 है ना। तो ये चीज़ अगर किसी को रीड करनी अगर नहीं आती, तब तो वो बेचारा फिर क्या मैं कहूँ फिर। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा इंटरप्रीट करना भी आना चाहिए कि या तो केस वन होगा ये, या फिर ये स्क्वायर वाली चीज़, ये लोग अप्रीहेंड नहीं कर पाते अक्सर, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि Z1, Z2, Z3, Z4 चारों पॉइंट्स एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हों, और Z इज़ द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो उस केस में भी इक्विडिस्टेंट वाली चीज़ कैसा वैलिड रहेगी। तो दोनों ही केसेस में लेकिन है ना, ये हम बता सकते हैं कि भाई जो चारों पॉइंट्स है दे आर कॉन्साइक्लिक, ठीक। अच्छा चलो अब आते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। अच्छा देखो अगेन तुम्हारे पास यहाँ मॉड Z तुमको दिया हुआ है 1 है, इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, मॉडुलस Z का स्क्वायर इज 1, यानी Z बार तुम्हारे पास 1 हो जाएगा। ये तो तुम एकदम बिंदास ही रखा ही करो। अच्छा अभी देखो ये जो इस तरह की इक्वेशन है, इसको तुम ज्योमेट्रिकली देखना सीखो। देखो पहले Z-2 यानी क्या, देखो अगर एक पॉइंट है ऐसा, मान लेते 2,0 है, और ये एक पॉइंट है -2,0 और ये है 2,0, ऐसा ये दो पॉइंट्स हैं फर्ज करो, और दोनों
पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा मैंने बनाया है। तो जेड तुम देख रहे हो कि यहाँ पर कहीं पर होगा, है ना, क्योंकि ये वाली दूरी देखो और ये वाली दूरी देखो, दोनों बराबर आ रही है ना कि नहीं। जेड प्लस टू और ये चीज़ है जेड माइनस टू, है कि नहीं। तो जेड एक्चुअली लाइज, है ना, जेड लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग माइनस टू कॉमा ज़ीरो एंड टू कॉमा ज़ीरो, है कि नहीं। तो लोकस का मतलब होता है पाथ, ठीक है। ये इस पर तो एक छोटा मोटा चैप्टर भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसी ही तुम्हारी शुरू होती है तो उसमें तुम लोकस वगैरह ये सारे पर भी सवाल वगैरह अच्छे खासे देखोगे। लोकस का मतलब होता है पाथ, ठीक है, दिस इम्प्लाइज पाथ। इस पर वैसे हम लोगों की बातचीत हो चुकी है इसके पहले भी, ठीक। तो खैर, तो यहाँ देखो बोला जा रहा है कि अगर मॉडुलस ऑफ जेड अगर वन है और ओमेगा तुमको एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है भारी भरकम सा ये, है ना, देन प्रूफ दैट द पाथ ऑफ ओमेगा इज इक्वलेंट टू, इज इक्वलेंट टू पाथ, ये नहीं बोल रहा है कि यही है, इक्वलेंट टू का मतलब होता है इस जैसा है। अब ये कैसा, ये जेड की पाथ कैसी है, पाथ ऑफ जेड या फिर लोकस ऑफ जेड, लोकस ऑफ जेड इज इमेजिनरी एक्सेस, है ना, ठीक, मतलब वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है ना जेड, ठीक है वाई एक्सिस, ठीक है वाई एक्सिस बोलो या फिर इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे ना, आर्गेंट प्लेन पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे तो अपन इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस बोलते हैं, तो इमेजिनरी एक्सिस बोल रहा हूँ मैं, ठीक। यानी अपने को प्रूफ करना है कि जो ओमेगा है दैट ओमेगा इज प्योरली इमेजिनरी, दैट इज वी नीड टू प्रूव दैट ओमेगा इज प्योरली प्योरली इमेजनरी, ठीक है, है ना। ओनली इन दैट केस ओमेगा विल लाई ऑन द इमेजनरी एक्सिस, है ना, इन दैट केस ओनली जो लोकस है ओमेगा का वो इसको मैच करेगा, ठीक। अच्छा, तो अभी देखो मेरे पास फिर से वही वाला सीन है, अलजेब्रा अभी डील करना पड़ेगा अपने को। तो जेड जेड बार मेरे पास वन है, ठीक, ओमेगा मेरे पास दिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं, वन माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस जेड स्क्वायर, देख लेने दो एक बार, ठीक। अब अगर इसको मेरे को प्योरली इमेजिनरी अगर साबित करना है तो ओमेगा कॉन्जुगेट में ले लेता हूँ, ठीक। पहले तो देखो यहाँ वन माइनस जेड का स्क्वायर है ना, तो ये तो ऐसा लिख सकता हूँ इसको, देखो मैं तो ऐसे ही सिंप्लीफाई हो रहा है, तो है ना, जेड वन के बराबर तो है नहीं, ये तो पहले ही हटा लो, तो ये इसके बराबर हो जाता है, है ना। अच्छा, अब देखो वन को अपन क्या लिख सकते हैं, जेड जेड बार, ठीक। तो इसको ऐसा कर लो, जेड जेड बार और जेड कॉमन निकालो, जेड बार माइनस वन अपॉन जेड बाहर आ गया है, ये हो जाएगा जेड बार प्लस वन, ऐसा कर लेते हैं इसको, ठीक। अच्छा, देखो ओमेगा क्या है, देखो कितनी बढ़िया चीज़ आ गई, इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, माइनस ऑफ वन माइनस जेड अपॉन वन प्लस जेड पूरे का कॉन्जुगेट, है ना। तो ये चीज़ कितनी हो गई, माइनस ओमेगा बार, इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा किसके बराबर आ रहा है, माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट के, या फिर मैं कहूँ कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा इज कमिंग आउट टू बी माइनस ओमेगा, है ना। इसका मतलब ही ये होता है ओमेगा इज प्योरली इमेजिनरी, और ये चीज़ मेरे को साबित भी करनी थी, ठीक, यही मेरे को साबित भी करना था। यहाँ जो मेरे पास पाथ है, है ना, इसी पाथ पर ओमेगा लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ओमेगा इज प्योरली इमेजिनरी, यही चीज़ मेरे को साबित भी करनी थी, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो अच्छी बात है वो ये
कि ओमेगा को किस तरीके से टैकल किया गया है। यहाँ देखो, ये तो चलो 1-z / 1+z पर पहले हम लोग आ गए, लेकिन उसके बाद ये जो काम है, मॉडुलस ऑफ जेड तुमको दे रखा था, यानी जेड जेड बार बराबर 1 है। कहीं भी दिखे अलजबरा का थोड़ी सी भी बू आ रही हो और 1 वाली चीज़ कहीं अगर तुमको दिख जाए, मॉडुलस ऑफ जेड अगर कहीं दिख जाए 1 है, सीधा जेड जेड बार बराबर 1 सीधा तुरंत। तुम देख ही रहो उसको मैं कैसे एकदम फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो सीधा तड़ा से वो उठा के तो 1 पटक दियो, समझे। अच्छा, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो यहाँ तुम देख सकते हो ओमेगा किस तरह से मैंने प्योरली इमेजिनरी प्रूफ किया, और इसी वजह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास पाथ होगा ओमेगा का, वो मैच करता है पाथ ऑफ जेड को, है ना, जो कि है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस बोलो जैसा भी। वाई नहीं बोलते वैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, वाई एक्सिस नहीं बोलते हैं, ठीक, इमेजिनरी एक्सिस बोलो बस, ठीक है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो जेड यहाँ तुम्हें दिया हुआ है एक्स प्लस आई वाई, देन फाइंड द लोकस ऑफ पी जेड सच दैट, अच्छा, 1+z / z, ये चीज़ प्योरली रियल हो जाए। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज प्योरली रियल, ऐसा अगर कहीं तुम्हें अगर लिखा हुआ अगर नज़र आ जाए, इसका मतलब सीधा उठा के क्या डालोगे, जेड बार बराबर जेड। और अगर वही चीज़ अगर लिखी हुई आती है इज प्योरली इमेजिनरी, तो क्या ठोकना है, जेड बार इक्वल्स टू माइनस जेड, ऐसा। समझ ली बात, अच्छा। तो ये कंडीशंस है, है ना, ये ध्यान रखना है। तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, इसको मैं ओमेगा बोल देता हूँ, लेट ओमेगा बी 1+z / z, तो नाउ ओमेगा का कॉन्जुगेट कितना हो जाता है, देखो 1+z / z पूरे का कॉन्जुगेट, यानी 1+z / z, ऐसा हो जाएगा ये, अच्छा। तो ये और ये दोनों बराबर है, ओमेगा बराबर ओमेगा बार, ये तो है बात। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये चीज़ प्योरली रियल है, ऐसा मेरे को बताया गया है ना। तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये चीज़ हो। अब ये होने के लिए इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 1+z / z इक्वल्स टू, जैसे तुम इसको इक्वेट करोगे बड़ी मज़ेदार चीज़ें आने वाली, देखो सामने दिख ही रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, z bar + z bar² यानी z², है ना, ऐसा लिख लो, बराबर z + z × z इज अगेन z²², ठीक, सॉरी z² अलग चीज़ होती है और मॉडुलस z का स्क्वायर अलग चीज़ होती है, ठीक। थोड़ा हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई, अच्छा। तो सवाल थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसको z bar के फॉर्मेट में रहने देना चाहिए था मेरे को, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा लिख लेते हैं, है ना, इज इक्वल टू z+z² फैक्टराइज हो जाएगा, देखो z² + z − z bar 1+z ऐसा आ रहा है, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर से भी z अगर मैं कॉमन उठा लेता हूँ तो ये चीज़ आ जाती है मेरे पास, जेड बार अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1+z, ठीक, ऐसा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जेड बार यहाँ से कॉमन उठाया मैंने और वहाँ से जेड कॉमन उठाया है, ठीक। तो z bar - z और एक 1+z इक्वल्स टू 0 कुछ दिया है क्या, अच्छा। तो मुझे एक्चुअल में लोकस ऑफ जेड निकालना है, ठीक। तो z bar = z, इसका मतलब तो क्या हो गया, y = 0। इसमें दो रास्ते आते हैं इसके पास, z bar = z, इसका मतलब क्या हो गया, y = 0, ये एक पाथ हो गई, ये हो गया लोकस, दिस इज़ योर आंसर। या फिर तुम ये बोल सकते हो
जेड इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक, जेड इक्वल्स टू माइनस वन, जेड इक्वल्स टू माइनस वन, मेरे पास जो आंसर है वो इससे मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं पर मैंने पप्पू कर दिया है, देखने दो ज़रा। जेड बार प्लस जेड जेड बार दो तीन चार, चार टर्म्स तो लिखे हैं, अच्छा ये डिफरेंस है, z बार का होल स्क्वायर है ना, ये एक अलग चीज़ रहेगी, और मॉडुलस ऑफ z ये एक अलग चीज़ रहेगा, इसी वजह से मेरे से गलती हो गई है, थोड़ा हड़बड़ी में हुआ है ये काम, ठीक है। यहाँ देखो ध्यान से, ये एक अलग चीज़ है ना, मॉडुलस मॉडुलस z का होल स्क्वायर वो एक अलग चीज़ होती है, वो तो रियल नंबर हो गया पूरा कंप्लीट, और z बार का स्क्वायर वो एक अलग चीज़ है, ठीक। तो ये एक अच्छी मिस्टेक हुई है मुझसे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं ये फैक्टराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर एक और मैं ये लगा देता हूँ, तो ठीक है, ये हो जाता है वन प्लस जेड बार, क्या किया जाए, ये तो यार फैक्टराइज ही नहीं होगा क्या है, तो फिर रुक जाओ जरा, फिर चलो हो रहा है थोड़ा, ठीक है ये सिचुएशन है अभी तुम्हारे पास है ना, अब इसको तुम कैसे टैकल कर सकते हो, इसको ऐसा कर लो, देखो जेड बार का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड बार माइनस जेड, ऐसा कर लो इसको, अब होता बराबर फैक्टराइजेशन, ठीक है। थोड़ा मैंने कैजुअली उठा लिया इस सवाल को, तो ये जेड बार माइनस जेड ये तुम कॉमन उठाओ, ठीक है, अंदर क्या बचेगा देखो, अंदर बचता है जेड बार माइनस जेड प्लस वन, सॉरी जेड बार प्लस जेड प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये इस चीज़ को मैंने ऐसा लिख लिया है, ये जो है ना मेरे पास ये, इसको मैंने ऐसा कर लिया, ठीक है ऐसा, ठीक, और उसके बाद फिर जेड बार माइनस जेड कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो लोकस आ जाता है मेरे पास बढ़िया से, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, या तो जेड बार बराबर जेड रहेगा, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया वाई इक्वल्स टू ज़ीरो,
पहला लोकस तो ये हो गया, और जेड प्लस जेड बार कितना रहता है तुम्हारे पास, टू एक्स रहता है, तो टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, यानी एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ। तो ये आंसर हो जाता है तुम्हारा एक, वाई इक्वल्स टू जीरो इज़ द लोकस, या फिर एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ इज़ द लोकस। ठीक, तो वो ये बात हो जाती है ना। इसमें एक ख़ास ध्यान देने लायक बात यह है कि ओरिजिन पर तुम नहीं जा सकते। ठीक, जैसे वाई इक्वल्स टू जीरो है, एक्स की कोई भी वैल्यू होती रहे, बट नॉट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ओरिजिन जेड कांट बी जीरो, जेड इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, इस बात का ध्यान रखना अपने को। ठीक है, तो लोकस ऑफ जेड इज़ वाई इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो मतलब एक्स एक्सिस हो गया, रियल एक्सिस, तो जेड यहाँ पर रियल एक्सिस पे घूम सकता है, या फिर एक्स हमेशा माइनस हाफ रहेगा, वाई की वैल्यू कुछ भी होती रहे। ठीक, तो ये भी पाथ हो सकती है जेड की। ठीक है, लोकस का मतलब वही होता है, पाथ का मतलब, पाथ ही लोकस होता है बेसिकली। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस हाफ इज़ वन लोकस, एंड द अदर लोकस इज वाई इक्वल्स टू जीरो बिसाइड्स ओरिजिन, ओरिजिन नहीं घुसना चाहिए उसमें। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अच्छा, इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस वन इक्वल्स टू, अच्छा रियल पार्ट्स ऑफ जेड प्लस वन, आइडेंटिफाई द लोकस। तो इसमें क्या करो, जेड को सबसे पहले ही तुम एक्स प्लस आई वाई तो रख लो पहले ही, वो ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। अच्छा, फिर देखो जेड प्लस वन इसका मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वन प्लस आई वाई का रियल पार्ट है ना, तो ये चीज़ जाती है एक्स प्लस वन हो जाएगा सीधा सिंपल। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक्स प्लस वन हो जाता है। अच्छा, जेड माइनस वन का मॉडुलस है ना, ये क्या हो जाता है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग अगर करता हूँ तो मैं ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। कैंसलेशंस करने के बाद देखें क्या आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये आ रहा है मेरे पास, वन भी कट जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर एक्स आ रहा है, दिस इज़ अ पैराबोला। ठीक, पैराबोला एक, ठीक है। अच्छा, तो यही है लोकस, और क्या, आंसर भी मेरा मैच कर रहा है, बढ़िया है। ठीक है, तो ये लोकस वाले सवाल हो गए, और इसके पहले भी दो तीन और लोकस वाले सवाल तुम एक्चुअल बना चुके हो। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अच्छा, तो ये सवाल तो मतलब बहुत ही पॉपुलर सा सवाल है, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन बैंक या फिर एक्सरसाइज शीट में तुमको ये कॉमनली दिख जाता है। ठीक, ध्यान से देखो इसको करने का तरीका कैसा है। सबसे पहले तुमको दिया हुआ है जेड बार की वैल्यू वन है, इसका मतलब जेड वन बार ये चीज़ तुमको दी हुई है वन है। सिमिलरली जेड टू बार की वैल्यू ये तुम्हारे पास हो गया चार, जेड थ्री बार की वैल्यू ये चीज़ हो जाती है तुम्हारे पास नौ ना। अभी कैसे आए बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब देखो अपने को दिया हुआ है नाइन जेड वन जेड टू, ठीक, प्लस फोर जेड वन जेड थ्री प्लस जेड टू जेड थ्री का मॉडुलस है ना, ये इसकी वैल्यू अपने को दी हुई है बारह। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नौ की जगह अगर मैं जेड थ्री बार रख देता हूँ, जेड वन जेड टू है ना, फोर की जगह Z2 बार अगर मैं रख देता हूँ, और Z3 प्लस वन की जगह Z1 बार रख देते हैं, और हो गया Z2 ऐसा। इसका मॉडुलस मेरे को दे रखा है 12। अब देखो Z1 पूरा कॉमन आ रहा है बाहर, पूरा कॉमन आ रहा है बाहर, और उस पर मॉडुलस भी चिपक जाएगा, और अंदर क्या बच रहा है, देखो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ऐसा, बराबर ये दे रखा है मेरे को 12। ठीक, अच्छा, अब देखो Z1 Z2 Z3 इसका मॉडुलस, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अपन को पता है कि अपन स्प्लिट कर सकते हैं मॉडुलस को। अच्छा, अभी ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 पूरे का कॉन्जुगेट का मॉडुलस एक्चुअल में लिखा हुआ है, बराबर 12 है ना।
तो उसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, जेड वन का हो गया 1, 2 और 3 है ना, ये ऐसा, और ये चीज़ आ जाती है मेरे पास इसके बराबर, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया कि जेड बार का मॉडुलस इज सेम एज जेड का मॉडुलस, ठीक, उसकी मदद से इसको मैंने लिख लिया है, ठीक है बात। अच्छा ये हो गया मेरे पास 12, तो यहाँ 3, 2, 6 ये हो गया 2, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का जो मॉडुलस है दैट इज़ 2, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, ये अपना आंसर रहेगा, ठीक। अच्छा तो ये चीज़ मतलब तुम ऐसा समझो, एक बार अब इस जैसा कर लिया है, इस जैसा अगर कोई दूसरा आ जाता है तो वो तुमसे बनना चाहिए, ठीक है। वैसे तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट में भी ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास कि जो कि ना बने एक इंसान से फर्स्ट अटैम्प्ट में, ऐसा कुछ नहीं है सवाल में, ठीक। अच्छा तो आगे अगले सवाल की तरफ आते हैं अपन, ठीक है। यहाँ देखो इसमें लिखा है देन प्रूव दैट जेड लाइज ऑन द बाइसेक्टर्स ऑफ द क्वाड्रेंट्स। अच्छा बाइसेक्टर्स ऑन द क्वाड्रेंट्स मतलब वही हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स वाई स्क्वायर, वाई इक्वल्स प्लस माइनस एक्स, ठीक। बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रेंट्स का बोलने का मतलब है ये जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस मैंने बनाई है, तो दिस इज़ वाई इक्वल्स टू एक्स, दिस इज़ वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो तुमने तो लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन वगैरह भी पढ़ रखी है ऑलरेडी, तो इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन क्या रहेगी, इसकी और इसकी कंबाइंड इक्वेशन हो जाती है अपने पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना, दोनों की कंबाइंड इक्वेशन ये रहेगी वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स बराबर शून्य। तो ये चीज़ क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल ज़ीरो, या फिर कहो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रेंट्स एक्चुअल में ये अपने सामने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में ये चीज़ आ चुकी है, ठीक, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल ज़ीरो, है ना। अच्छा अब आते हैं सवाल पर, ठीक है। जेड माइनस आई रियल पार्ट ऑफ जेड, अरे बाबा तो ये तो पहले ही एक्स और वाई के टर्म्स में इसको पहले ही लिख लो, तो एक्स प्लस आई वाई ना माइनस आई टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड इसका मॉडुलस बराबर जेड माइनस यानी एक्स प्लस आई वाई माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसका मॉडुलस, ऐसा। तो ये तो खुद से ही वर्कआउट कर सकते हो तुम, तो ये हो जाता है दोनों साइड अगर मैं स्क्वेयरिंग कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अगर मैं सॉरी एक्स माइनस वाई रखना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा। तो ब्रैकेट जैसे ही तुम ओपन करोगे आएगा अपने पास ये चीज़ बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये तो हट जाता है और कुछ जा रहा है क्या, माइनस टू एक्स वाई भी हट जाएगा, तो बस ये चीज़ बचती है मेरे पास फुल एंड फाइनल वाई स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर, है ना, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। इसके बारे में तो अपन ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर किस चीज़ को डिनोट करता है इसके बारे में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, ठीक है ना। दिस रिप्रेजेंट्स बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अच्छा तो अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। सवाल है, अच्छा अब ये थोड़ा दम लगेगा यार इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड, है ना। मैं ऐसा मान लेता हूँ, देखो जेड मैं बोल देता हूँ एक्स प्लस आई वाई के बराबर है, ठीक। ये इस तरह का सवाल देखकर देखो, अगर मुझे मैं सही बताऊं तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर सवाल नहीं कर रहा होता और मुझे पता नहीं होता कि ये मॉडुलस में से आया हुआ सवाल है, तो इस चीज़ को देखकर मैं भी थोड़ा तैश में आ जाता कि यार ये क्या दे रखा है करके, ये क्या मतलब, इसको कैसे साबित करेगा एक इंसान, है ना। तो अभी लेकिन मैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल बना रहा हूँ इसलिए मेरे को पता है कि दिस इज़ नथिंग बट मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। तो उसी डायरेक्शन में तुमको भी काम करना है, ठीक है ना। अच्छा तो ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है LHS, है ना। LHS से अगर मैं शुरू करता हूँ तो x प्लस आई वाई, ठीक, का
मॉडुलस अगर मैं उठाता हूँ और फिर उसका स्क्वायर करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, उस पूरे की पावर है 4 ऐसा। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई की पावर 8, ऐसा कर लेते हैं अपन। ठीक, अच्छा इसके बाद क्या करो, अब थोड़ा थोड़ा करके इसकी पावर कैसा ठीक करना शुरू करो। देखो इसको ऐसा करो, एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर ये कर लो ऐसा, देखो मैंने एक्चुअल में क्या किया है, ध्यान से देखो, पहले वो मॉडुलस था है ना, मॉडुलस का होल स्क्वायर लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी पूरी की पावर 4 था, फिर मैंने मॉडुलस की पूरी पावर 8 लिखा है, फिर उसके बाद देखो मैंने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसका स्क्वायर किया है, ना कि उसके मॉडुलस का। ठीक, इसमें फ़र्क है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो स्टेप्स गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को पता है एक्चुअल में कि इसका स्क्वायर जब मैं बिल्डअप करूँगा और फिर अगेन एक और पावर मैं यहाँ से इधर एक्सट्रैक्ट करूँगा, और समझ रहे हो, इसमें एक और पावर जब मैं अंदर करूँगा ना तब फिर ये चीज़ कैसा एक्सपांड होगी, तुम देखना कैसे मैं करता हूँ इसको। ठीक, क्योंकि यहाँ देखो क्या चीज़ लिखी हुई है, देखो ये जो है ये एक होल स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस ये भी देखो एक और एक होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, और दो स्टेप में आया है वो, देखो मैं बता रहा हूँ क्या करना है करके, है ना, इसको अपन ने जेड स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखा है और यहाँ देखो ये मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ऐसा मैंने इसीलिए किया है, ध्यान से सुनो एक बार और बताता हूँ। इसको जब एक बार स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या आता है, देखो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस आई 2xy, ऐसा आ जाता है, और उसके मॉडुलस का पूरे की पावर 4। अब तुम क्या करो, ये एक और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देख रहे हो, तो इसका स्क्वायर मारो, इसका स्क्वायर जब तुम करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर है ना माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस आई 2 टाइम्स एक्स वाई, समझ रहे हो बात, ये देखो ये मेरे को पता है ये ऐसी ऐसे कुछ होने वाला है। ठीक है, समझ रहे, तो एक और अंदर अपन ने पावर दे दी और अभी ये ऐसा हो गया का होल स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो अपना काम बन जाएगा, देखो अब अपना काम हो ही गया वैसे, देखो ध्यान से ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, या फिर कायदे से अगर देखो तुम तो ये मेरा RHS आ चुका है, देखो ठीक है चलो ऐसे कर लेते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस आई अंदर देखो इधर क्या लिखा है, हाँ ठीक है ना, 4x³y माइनस 4xy³ ऐसा, ठीक, का पूरे का मॉडुलस का स्क्वायर ऐसा। और इसको देखो क्या कर लेते हैं अपन, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 है, हाँ बढ़िया, ठीक, ये ऐसा हो गया वही RHS होल स्क्वायर प्लस, ऐसा ये हो गया मेरा RHS, इससे ये मेरा साबित हो जाता है। इसमें देखो जो फर्स्ट स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ तुम्हें मेरी थॉट प्रोसेस कैसी रही इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ये अच्छा लगा मेरे को। देखो अब ध्यान से, सबसे पहला तो ये तुमको पकड़ना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में लिखा क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और फिर उसकी पावर चढ़ाई हुई है, उसकी पावर चढ़ाई हुई है उन लोगों ने 4। अब देखो ये चीज़ दिख रही है तुमको, एक होल स्क्वायर लिखा है फिर एक और एक होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का होल स्क्वायर है ये, है कि नहीं। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर तो पहले तुमको क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ देखो कहीं पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो दिख ही नहीं रहा है, देर इज़ नो कॉम्प्लेक्स नंबर हियर, ये मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है की पावर 8। ठीक है, तो पहले मैंने देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट किया एक पावर स्क्वायर लगा के, क्यों मेरे को पता था अंदर ये चीज़ मैं जमा लूँगा इसको,
है ना, स्क्वायर स्क्वायर में ही क्यों करवाया मैंने, क्यूब में क्यों नहीं करवाया, बिकॉज पावर टू टू में ही अगर मैं कंज्यूम करूँगा तभी मेरे पास आखिरी में फिर यहाँ पर पावर टू बचेगी, ठीक। तो इसका स्क्वायर तो हम सबको रटा ही हुआ है, अगर नहीं रटा हुआ है तो भाई तुम महान हो फिर। तो ये आता है इसका स्क्वायर, और एक बार जैसे ही इसका अंदर एक और स्क्वायरिंग मैंने की, ये दिख गया मेरे को, हो गया। और इसका इंट्यूशन मेरे को ऐसा कुछ होगा, इसका इंट्यूशन बहुत पहले से ही आ गया था, जैसे ही मेरे को ये चीज़ दिखी और ये मेरे को जैसे ही दिखा तो इसका इंट्यूशन मेरे को बहुत पहले से आ गया था कि इस तरह की चीज़ एक्चुअल में क्रिएट होने वाली है, ठीक। अब उसमें मेरा उसमें सवालों का जो पीछे का किया गया एक्सपीरियंस है वो कुछ हद तक काम करता है, ये चीज़ दिख जाती है। देखो कैसे इसका जैसी मैं स्क्वायरिंग करूँगा, मेरे को पता है कि अंत में कैसा ये जो चीज़ है ये यहाँ से कैसे एक्चुअल में जनरेट हो रही है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर है। तो उसमें जैसी मेरे को वो चीज़ पता चल गई ना कि वो जेड स्क्वायर का फिर बाहर जो भी पावर होगी, फिर जेड स्क्वायर की पावर को अपने को आगे बढ़ाते जाना है, लास्ट में अपने पास क्या बचेगा, ये देखो इसका मॉडुलस का स्क्वायर बचा है, तो फिर तो वो आ ही गया आंसर के फॉर्मेट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते हैं उसको जैसा, ठीक है। तो ये RHS देखकर मेरी जो थॉट प्रोसेस रही इनिशियल में, वो RHS देखकर मेरे को ये समझ गया था कि ये किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे जनरेट करूँगा मैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करने के लिए फिर मैंने ये वाला काम किया, ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करते हैं और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर अंदर जनरेट करते जाएंगे, लास्ट में ऐसा बचना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर वाली फॉर्मेट बचे, क्योंकि ये वही फॉर्मेट है ना, ये ऐसा है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का है ना स्क्वायर ऐसा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर जनरेट तो करना पड़ेगा अपने को, अच्छा अभी बाहर अगर मेरे को ये पावर आठ है और इसको दो में कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात है अंदर मैं स्क्वायर स्क्वायर दो बार करूँगा, है ना, कितनी बार स्क्वायरिंग कर सकता हूँ मैं, तीन बार कर सकता हूँ, ठीक। पर वो पूरे को मेरे को अंदर नहीं भेजना है, है ना, भेजने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आखिरी वाला जो स्क्वायरिंग बचेगी वो कैसा है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देगा, और फिर तुम्हारा इमेजनरी पार्टी इमेजनरी जो था हिसाब किताब वही ख़त्म हो गया पूरा इमेजनरी वाला पोर्शन। अभी देखो एक नंबर बचा है तुम्हारे पास, ठीक, अच्छा। तो ये सवाल भी हो जाता है तुमसे, ठीक है, ये अच्छा था लेकिन, ठीक है, ध्यान रखो, बढ़िया लगा ये मेरे को, मस्त चीज़ थी ये अच्छा काम है ये, अच्छा हाँ। लेकिन अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं कर रहे हो तब ये चीज़ डिटेक्ट कर पाना वो मुश्किल है काफ़ी, है ना, मैं बता दूँ ऑनेस्टी के साथ पूरा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर रहा हूँ, मॉडुलस वाले सवाल बना रहा हूँ, ये भी पता है मेरे को, तो इसीलिए मेरा हाथ ऐसा इस तरह से चला। लेकिन अगर एक कभी ऐसी किसी न्यूट्रल मोमेंट पर ऐसा अगर मैं मान लेते हैं कुछ फिजिक्स का कोई रे ऑप्टिक्स या फिर वेव ऑप्टिक्स वगैरह कोई चैप्टर सॉल्व कर रहा हूँ और उसमें तड़ से ये आ गया ये ऐसा, तो उतना जल्दी एक्चुअली दिमाग क्लिक नहीं करता है, ठीक, कि भाई किस डायरेक्शन में जाना है। और इनफैक्ट हो सकता है सवाल भी ना बने, क्योंकि अगर तुमने स्पेसिफिक किसी डायरेक्शन में अगर नहीं सोचा है तब फिर वो बनेगा भी नहीं, ऐसे जेड जेड बार वगैरह इस तरह की तो कोई चीज़ दिख नहीं रही है, देखो यहाँ पर एक प्योर अलजेब्रा वाला सवाल है ये, ठीक। लेकिन हाँ बुद्धि चलनी तो चाहिए, देखो अब क्या बोलूँ मैं, वहाँ RHS इसमें बुद्धि चलवाएगा तुम्हारी कि वो जो स्क्वायर प्लस स्क्वायर के फॉर्मेट में जो लिखा है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स में जोड़ पाने के लिए डेरिंग चाहिए, गट्स चाहिए, ठीक। तो मैं इसमें ऑनेस्टली अपना रिव्यू इस तरह से दूंगा कि अगर किसी न्यूट्रल मोमेंट पर अगर ये सवाल मेरे सामने आता अगर, तो ज़रूरी नहीं कि ये सवाल बन पाता मुझसे, ठीक। इसमें एक हिंट उसको ये डालनी पड़ती कि भाई अगर मुझे इस सवाल को बनाना है कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर से लिया गया सवाल है ऐसा, और वो भी मॉडुलस चल रहा है, नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर अगर तुमने बोल दिया तो बस फिर वहाँ से तो मैं संभाल लेता। लेकिन अब ये तो कोई तुमको बताएगा नहीं क्वेश्चन पेपर में कि ये इस चैप्टर का सवाल है, क्योंकि ये देखने से तो प्योरली अलजेब्रा लग रहा है, इसका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर से तो दूर दूर का नाता रिश्ता नहीं दिख रहा है। तो तुम मेरे ख्याल में जो मैं दिक्कत तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है इस सवाल के साथ बनाने में, है ना, वो मेरे ख्याल में तुम्हें समझ गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, अच्छा चैप्टर वाइज अलग अलग बता के तो आएगा नहीं कि कौन से चैप्टर में से हूँ या फिर ऐसा वैसा, ठीक। तो मैं तो इसी माइंडसेट के साथ किसी भी सवाल को सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन पेपर पे ये सवाल आया हुआ है और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। तो होपफुली तुमको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और इसी माइंडसेट के साथ एक्चुअल में तुम्हें भी किसी भी सवाल को देखना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम पेपर में आया रहता तो इसको मैं किस तरह से टैकल करता, समझे। अच्छा अगले सवाल देखो, क्वेश्चन 44, ठीक है।
ओके, तो एक बढ़िया अच्छी खासी इक्वेशन दी हुई है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, और मुझे कहा जा रहा है कि जेड टू का मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसको देखने पर कैसी फीलिंग आ रही है देखो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखो जेड वन बार माइनस ट्वाइस ऑफ जेड टू बार, टू माइनस जेड वन जेड टू बार इक्वल्स टू वन। तो स्क्वेयरिंग करते हैं और क्या, ये तो अपन एक ही तरीके से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ देखो जेड वन बार माइनस ट्वाइस ऑफ जेड टू स्क्वेयर इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, टू माइनस जेड वन जेड टू बार, ऐसा इसका होल स्क्वायर। तब होल स्क्वायर कैसे करेंगे, उसी के कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर दो। टू जेड टू है क्या, अच्छा इसका कॉन्जुगेट जब उठाओगे तो जेड वन माइनस टू जेड टू ऐसा कर लो इक्वल्स टू टू माइनस जेड वन जेड टू बार, ऐसा कर लेते हैं। अब दोनों साइड जैसे ही मल्टीप्लाई होंगे देखो क्या जम रहा है, जेड वन बार, ठीक सिंपली ऐसा कर लो मॉडुलस ऑफ जेड वन का स्क्वायर माइनस टू जेड टू बार माइनस टू जेड वन बार प्लस फोर जेड टू के मॉडुलस का स्क्वायर, ऐसा इक्वल्स टू आर एच एस क्या आ रहा है देखो, चार माइनस दो जेड वन बार जेड टू माइनस दो जेड वन जेड टू बार, ऐसा ठीक है, प्लस फोर टाइम्स जेड वन का मॉडुलस स्क्वायर जेड टू का मॉडुलस स्क्वायर, ऐसा ये चीज़ आ रही है। अच्छा तो यहाँ कैंसलेशन तो बड़ी अच्छी चीज़ होती हुई दिख रही है, सबसे पहला तो ये सब हटाओ पहले यहाँ से। ओके अब देखते हैं फोर का फैक्टर, हे प्रभु चार वगैरह कैसे, एक साइड पर ले आते हैं पहले तो इसको इक्वेशन के। लिखा है जेड वन स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स जेड टू स्क्वायर माइनस चार जेड वन स्क्वायर जेड टू स्क्वायर माइनस चार बराबर शून्य, ऐसा कुछ है मेरे पास। तो इसमें फैक्टराइजेशन की तो बू आ रही है, जेड वन स्क्वायर जेड वन स्क्वायर माइनस फोर प्लस जेड टू स्क्वायर, बाहर अगर मैं कर लेता हूँ फोर तो ये चीज़ हो जाती है, नहीं यार यहाँ तो कांड मच जाएगा फिर। ठीक तो है जेड वन स्क्वायर माइनस वन, ठीक तो है बढ़िया बराबर ज़ीरो। ठीक चार कैसे आ गए भाई इसके साथ, फोर टाइम्स है क्या जेड टू स्क्वायर, अबे यहाँ चार कहाँ से आएगा यार, क्या सिली मिस्टेक करके बैठा हूँ, इसीलिए तो फैक्टराइज नहीं हो रहा है, हट चार फिर से करना पड़ेगा यार। ठीक है अभी यहाँ देखो ऐसा करो प्लस चार
ठीक है, तो इसको ऐसा कर लो, जेड वन स्क्वायर माइनस चार, ठीक, वन माइनस जेड टू स्क्वायर बराबर शून्य, ठीक। तो मैं अगर इसको देखूं तो ये हो जाएगा जेड टू स्क्वायर इक्वल्स वन, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ मॉडुलस ऑफ जेड टू इज़ वन। तो लेकिन यहाँ देखो क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ जेड टू इज़ नॉट इक्वल टू वन, तो ये चीज़ तो होगी नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो हटा लो तुम, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ मॉडुलस ऑफ जेड वन स्क्वायर इज़ फोर, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ जेड वन इज़ टू, है ना, क्योंकि मॉडुलस ऑफ जेड वन एक पॉजिटिव क्वान्टिटी है, ठीक। बस ये यहाँ साबित हो जाता है, हैंस प्रूफ। ठीक है, ये साबित हो जाता है यहाँ पर। अच्छा तो यही अपने को साबित भी करना था, ये यार सवाल अलजेब्रा वाइज थोड़ा अच्छा खासा था, ठीक है। इसको भी मैं इम्पोर्टेंट ही मार्क करूँगा, है ना, अलजेब्रा ने इसने नहीं, वैसे खैर ठीक है, ये भी मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं हो पाता, ठीक है, ये तो बनना ही था। यहाँ की स्टेप वॉज दिस, है ना, दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस, है ना, ये की स्टेप है, ये इसका कॉन्जुगेट है, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अलजेब्रा में अगर कभी तुम्हारे पास मॉडुलस एक किसी भारी भरकम कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर अगर आता है, है ना, उसके मॉडुलस का, तो उसमें जेड जेड बार वाली टेक्निक अपन लगाते हैं, जेड जेड बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ऐसा ये टेक्निक फिर तुम इस्तेमाल करते हो, ठीक। अच्छा इसके बाद देखो, अगला सवाल है जेड वन एंड जेड टू आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड यू इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है, अंडर रूट ऑफ जेड वन जेड टू, देन प्रूव दैट, ठीक है। तो ठीक है, ये सवाल देखो देखते बराबर ही, यहाँ सबसे पहले मैं आरएचएस से शुरू करूँगा। देखो जेड वन प्लस जेड टू बाय टू प्लस अंडर रूट ऑफ जेड वन जेड टू ऐसा लिखा है, है ना, आरएचएस से शुरू कर रहा हूँ, तो उसका मॉडुलस है ना प्लस जेड वन प्लस जेड टू बाय टू माइनस अंडर रूट ऑफ जेड वन जेड टू ऐसा लिख। तो इसको तो देखो ऐसा कर सकते हो तुम, अंडर रूट ऑफ जेड वन प्लस अंडर रूट ऑफ जेड टू का होल स्क्वायर बाय टू, ठीक, इसका पूरे का मॉडुलस। अच्छा अब देखो ये यहाँ क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ जेड वन माइनस अंडर रूट ऑफ जेड टू का स्क्वायर पूरे का मॉडुलस बाय टू ऐसा, ठीक। अच्छा अब मॉडुलस को अपन ऊपर नीचे अगर लगाते हैं, हाफ को मैं बाहर रख सकता हूँ, देखो अंदर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ऑफ जेड वन का स्क्वायर, है ना, ये ऐसा, ठीक, ये ऐसा लिखा है, अब ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है कि ये क्या होती है, ठीक, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ मॉडुलस लगा लेता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ है मेरे पास। अच्छा अब बड़े ध्यान से देखो, सुनो, अंडर रूट जेड वन प्लस अंडर रूट जेड टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका होल स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मॉडुलस को अंदर ले लेता हूँ और फिर स्क्वायर जो है उसको बाहर कर देता हूँ। तो इसको देखो मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, मॉडुलस फिर इसका स्क्वायर कर लो ऐसा, है ना, प्लस वही सेम काम यहाँ भी कर लो ऐसा, ये काम कर लो तुम, ठीक। अच्छा अब देखो, मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर, ये चीज़ मुझे पता है कितनी आती है, ये प्रॉपर्टी में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ाई, इस चीज़ के बारे में पढ़ाई अपन ने की है, ठीक।
कैसा आता है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, है ना? याद आ गया होगा मेरे ख्याल में, उसमें रियल पार्ट वाला जो पोर्शन है वो कैंसिल ऑफ हो जाता है, ठीक, क्योंकि अंडर रूट ऑफ Z1 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? तो मेरे ख्याल में तुमको याद आ गया। तो उस चीज़ की वैल्यू आती है इसके बराबर, 2 टाइम्स ऑफ कितना आता है वो Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 का स्क्वायर ऐसा, ठीक। तो उसको मैं एक्चुअल में ऐसा भी लिख सकता, हाँ ये आएगा 2 टाइम्स और फिर ये आता है ऐसा मॉडुलस का स्क्वायर ऐसा, ठीक, ये आ जाएगा ऐसा। तो 2 और 2 तो हटा लो पहले। अब देखो, अब मॉडुलस और जो वो पावर है उसको भी तुम इंटरचेंज कर सकते हो, तो रूट Z1 का स्क्वायर का मॉडुलस कर लो, तो ये कितना हो जाएगा Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, ऐसा, समझ रहे हो बात? तो यहाँ से यहाँ अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, याद करो, ये था ना अपने पास Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी अपन ने सीखी है, ठीक है ना? Z1 प्लस Z2 वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, तो ये अपन ने सीखा है ये किसके बराबर आता है, समझ गए? तो उसी प्रॉपर्टी का मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, ठीक। अगर किसी का वो रूल्स का अलजबरा अगर किसी का अगर क्लियर अगर नहीं है तो इस तरह के सवालों को कभी डील ही नहीं कर सकता है ना, कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा वो इंसान, ठीक है। तो तुम्हारे जो अलजबरिक वाले जो रूल्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जैसे यहाँ से यहाँ मैंने एक और एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, सोचो, है ना, आखिरी स्टेप में भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है कि पावर और एक्चुअल में जो मॉडुलस का सिंबल है वो आपस में इंटरचेंजेबल रहते हैं। जेड की पावर एन की मॉडुलस अपन ऐसा लिख सकते हैं कि मॉडुलस जेड की पावर एन, ऐसा, दे आर इंटरचेंजेबल, ठीक। तो आखिरी स्टेप में मैंने उस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया है ना, ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे देखो, अगले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। सवाल नंबर 46, ठीक है, अंडर रूट 8 प्लस आई। अब इस तरह का अगर कभी अगर दिखता है ना अंडर रूट 8 प्लस आई, तो देखो 8 और 1 9, समझ रहे, और परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक। तो मॉडुलस की तरफ तुम्हारा फिर ध्यान जाना चाहिए, जैसे अंडर रूट 8 प्लस आई का जो मॉडुलस होगा दैट विल बी 3, ठीक। अच्छा, तो ध्यान रखोगे इन सारी बातों का। तो जैसे एक तुम्हारे पास अभी ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी हुई है, दोनों साइड तुम मॉडुलस तो उठा सकते हो, क्या हो जाएगा, देखो 9 की पावर 50 इक्वल्स टू 3 की पावर 49 अंडर रूट ऑफ a² + b² कितना बढ़िया हो गया, देखो ऐसे ही सॉल्व हो गया है तो खट्टे से। तो ये तुम्हारे पास मेंस टाइप के जो सवाल रहते हैं वो कुछ इसी टाइप के रहते हैं ना, मेंस वाले जो सवाल हैं कुछ इसी तरह के रहते हैं। तो देखो क्या कर लो, अंडर रूट 8 प्लस आए की पावर 50 इक्वल्स 3 की पावर 49 ए प्लस आए बी, ऐसा कुछ है लिखा हुआ, ठीक। तो दोनों साइड मॉडुलस लो और स्क्वायरिंग कर दो, तो कितना हो जाएगा, देखो 9 की पावर 50 इक्वल्स 3 की पावर 98, है ना, स्क्वायरिंग की है ना दोनों साइड मॉडुलस लेकर, तो ये a² + b² ऐसा हो जाएगा, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये हो जाता है 3 की पावर 100, ठीक है, इस 3 की पावर 98 a² + b² तो ये चीज़ आ जाती है तुम्हारे पास a² + b² कम्स आउट टू बी 3 की पावर 2 दैट इज़ 9, ठीक। जो आंसर मेरे पास दिया है वो भी यही है, ठीक है, ये ऐसा हो जाता है, ठीक। तो ये इस तरह के जो सवाल है ये ऐसा छोटे छोटे छुटपुट धमाके है ना उसमें काउंट होते हैं सब, ठीक। अच्छा, तो इसके बाद देखो, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 47, ठीक है। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, ये सवाल मेरा किया हुआ है एक्चुअल में, कठिन है ये थोड़ा, ठीक है, ये बढ़िया सवाल है, ये दिस इज़ बिट टफ, ठीक है, गुड प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा सवाल है ये। सो करते वक्त जान पे आई थी मेरे को याद है, ठीक है। देखो अभी किस प्रकार से टैकल करोगे,
सबसे पहले मेरे पास दिया है जेड क्यूब प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट का पावर 7 is 0, दूसरी इक्वेशन दी है जेड की पावर 5 ओमेगा 11 इक्वल्स 1। अच्छा, सबसे पहले तो मॉडुलस उठाओ तुम, जेड क्यूब इक्वल्स माइनस ऑफ ओमेगा कॉन्जुगेट की पावर 7। मॉडुलस अगर लेता हूँ मैं तो क्या आ रहा है देखो ऐसा, और मॉडुलस आरएचएस में अगर उठाओगे तो ये ओमेगा ऐसा हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो ये हो गई इक्वेशन वन। अभी इधर का अगर मैं मॉडुलस अगर उठाता हूँ दोनों साइड तो हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाती है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब देखो पावर 3 और 5 है, इधर पावर 5 चढ़ा दो, दोनों साइड अगर मैं पावर 5 अगर चढ़ाता हूँ तो कितना आएगा देखो ऐसा, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया हूँ मैं। अच्छा, इधर मेरे को पावर चढ़ानी पड़ेगी 3, तभी तो इंडाइसेस सेम होंगे। तो क्यूब अगर मैं ले लेता हूँ तो ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब मॉडुलस जेड की पावर 15, ठीक है। यहाँ से यहाँ अगर वैल्यू अगर तुम सब्सटीट्यूट अगर करते हो तो देखो क्या आ रहा है, ओमेगा की पावर 35 ओमेगा की पावर 33 is 1। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ओमेगा की पावर एक पॉजिटिव नंबर की पावर 38 अगर 1 के बराबर है, इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर 1 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, ये पक्की बात है। तो ये एक पहली चीज़ तो ये आ गई। अच्छा, अब देखो इसको जब तुम यहाँ पुट अप करोगे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ जेड की पावर 15 is also 1, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ जेड भी तुम्हारे पास 1 होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि एक पॉजिटिव नंबर की है ना एक पावर, पॉजिटिव नंबर की एक पावर है ना, वो भी नेचुरल नंबर, वो 1 तभी आ सकती है जब वो पॉजिटिव नंबर खुद 1 हो, ठीक। अच्छा, तो ये चीज़ें दोनों मेरे पास आ जाती है कि ओमेगा और जेड दोनों का मॉडुलस जो है मेरे पास 1 है, ठीक। अच्छा, अभी ये आ जाने के बाद तुम्हारे पास जेड को सॉल्व करना है। अब तुमको ये भी कोई कम टेढ़ी खीर काम नहीं है। तो मेरे पास अभी मॉडुलस तो है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, जेड की पावर 5 ओमेगा की पावर 11, ठीक है। देखो मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये काम मेरा किया हुआ है इसीलिए मैं इतना जल्दी कर पा रहा हूँ, ध्यान रखो। तो ये जेड क्यूब मैंने पकड़ा और मैंने पकड़ा इसको, ठीक, इसको, ये दोनों को पकड़ो तुम, नीचे लेकर आओ ज़रा, देखो जेड क्यूब इज माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट की पावर 7 और एक है ओमेगा 11, ठीक है, ओमेगा की पावर 11 जेड की पावर 5 इक्वल्स 1, ये है। तो अगर ओमेगा ओमेगा बार अगर तुमको क्रिएट करना है तो ओमेगा की पावर्स को कैसा बराबर बनवाना पड़ेगा, ठीक है, और जेड की पावर्स को भी एक्चुअल में 1 बनवाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर कुछ होगा। तो देखो क्या करता हूँ मैं, जो पहली इक्वेशन है उसमें कैसा करो, दोनों साइड पावर चढ़ा दो तुम 11 और नीचे वाले में दोनों साइड पावर चढ़ा दो 7। देखो क्या आ रहा है, जेड की पावर 33 बराबर
माइनस ओमेगा बार की पावर 77। और नीचे देखो क्या आ जाएगा, ओमेगा की पावर 77 और जेड की पावर 35 इक्वल्स 1, ये चीज़ आ रही है। अब दोनों इक्वेशन को करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक। तो देखो क्या आएगा, जेड की पावर क्या है वो, जेड की पावर 5 है, ठीक। अच्छा तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट जेड की पावर माइनस 35 इज ओमेगा की पावर 77। अच्छा, और जेड की पावर 33 इज माइनस ओमेगा कॉन्जुगेट की पावर 77। तो अब जब तुम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जेड की पावर माइनस 2 है ना इक्वल्स कितना, वो ओमेगा ओमेगा बार तो 1 हो जाएगा, ये हो गया माइनस 1। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ से देखो दैट 1 अपॉन जेड स्क्वायर अगर माइनस 1 के बराबर है तो जेड स्क्वायर हो गया माइनस 1 के बराबर। इसका मतलब, और मॉडुलस जेड तुमको 1 भी दिया हुआ है और जेड स्क्वायर तुमको माइनस 1 है, ठीक। अच्छा तो ऐसा तभी हो सकता है जब जेड की वैल्यू तुम्हारे पास प्लस माइनस आई हो, ठीक है। जेड की वैल्यू माइनस आई होगी या प्लस आई होगी, समझ गए, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आता है फुल एंड फाइनल। मेरे पास खाली आंसर में प्लस आई देकर रखा हुआ है, तुम देख लेना, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्लस माइनस आई होना चाहिए, ठीक है। कहीं देख लेते हैं जेड इक्वल्स टू माइनस आई होने में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, वैसे गड़बड़ तो नहीं है कहीं, ठीक है सब कुछ। अगला सवाल देखो। अच्छा अब आते हैं अपन इनइक्वालिटीज़ वाले सवालों पर, अब आएगी मज़ा, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज़ वाले सवाल शुरू करते हैं। इनइक्वालिटीज़ के बारे में बेसिक रिवीजन तो मैंने करवा ही दिया था तुमको, 5 सवाल अपने को इनइक्वालिटीज़ वाले करने हैं और बीच में एक दो सवाल कुछ ज़्यादा ही धांसू भी मिलेंगे अपने को, है ना, ठीक है। तो करना शुरू करते हैं फटाफट। तो देखो ग्रेटेस्ट वैल्यू अपने को निकालनी है, तो इसका तो बेसिक इनइक्वालिटी तो अपने पास है ही, पर देखो अगर इसको तुम ऐसा लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो कैसे करो, इसको यहाँ ऐसा लिखो, ये एक तरह से ब्रेन टीजर है ये, अब मेरा किया हुआ इसीलिए एकदम फटफट हो रहा है। जेड वन माइनस वन ऐसा रखो प्लस जेड टू माइनस टू प्लस जेड थ्री माइनस थ्री ऐसा कर लो इसको प्लस छः, समझे, ऐसा इसका मॉडुलस कर लो। तो देखो ऊपर वाली जो चीज़ है और जो मैंने अभी अभी लिखा है दोनों समान है, ठीक। अब फिर इनइक्वालिटी वाला लगाओ तुम, ये किसके बराबर रहेगा, देखो ये हो जाता है मॉडुलस जेड वन माइनस वन प्लस ऐसा, ठीक, ऐसा मॉडुलस ऑफ छः क्या रहेगा, छः ही रहेगा। अच्छा अब मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस वन से बड़ी क्वांटिटी क्या है, 1, तो यहाँ 1 लिख लो, है ना, यहाँ 2 लिख लो और यहाँ 3 लिख लो, क्योंकि बड़ी की तरफ तो और बड़ा अपन कर ही सकते हैं और 6 यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, तो ये चीज़ हो जाती है 6, 3, 9, 11, 12 ऐसे। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री की जो मैक्स वैल्यू होगी दैट विल बी 12, ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ जो की स्टेप है वो इस बात पे है, की स्टेप ये तुम्हारा जो लिखने का तरीका है ना, कि यहाँ से तुम इस चीज़ का प्रयोग कैसे कर पाओगे, ठीक है, वहाँ पर एक्चुअल में मेन इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, समझ रहे हो बात, ठीक। तो इसीलिए ये सवाल मज़ेदार है थोड़ा, ठीक, ये तो ब्रेन टीजर की तरह है ये, अगर किसी को अगर ये थॉट अगर नहीं आता है ये वाला तो गया वो, फिर नहीं बना पाएगा, लेकिन कुछ तो करेगा, है ना। अब उसको इनइक्वालिटी तो पता ही है कौन सी और कैसी रहती है इनइक्वालिटी का फॉर्मेट, तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को अगर ये ख्याल नहीं आया तो उसको आ जाना चाहिए, थोड़ी देर के बाद तो आ ही जाना चाहिए कि अच्छा इस प्रकार से कुछ अपन करेंगे करके, ठीक।
ठीक, क्योंकि इनक्वालिटीज़ वाले में थोड़ी क्रिएटिविटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगले चार सवाल भी अच्छे खासे होने वाले हैं ना, एक दो सवाल को शायद छोड़कर बाकी और कोई रेगुलर सवाल नहीं है, तो इनक्वालिटीज़ में थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है अपने को, ठीक है, जैसे जिस प्रकार की यहाँ पर दिखाई है। अब वो विध्वंसक क्रिएटिविटी नहीं दिखानी कि सब कुछ जला के नष्ट कर देंगे टाइप, वो वाली क्रिएटिविटी कि मैथ्स के नियम ही बदल दे रहे हैं, वो वाली क्रिएटिविटी नहीं दिखानी है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा देखो यहाँ भी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा लगेगी है ना, ये भी एक पूरा एक ब्रेन टीजर है अच्छा खासा। अब बड़े प्यार से देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे करोगे? देखो ये कहाँ से निकला, कहाँ से है, z प्लस z माइनस टू वाई, इसका मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस z प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस टू वाई, ऐसा। अब देखो मजे की बात, ऐसा अगर मैं लिखता हूँ तो पंगे क्या हो जाएंगे, इसको कौन करेगा सॉल्व, ये तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, ठीक। तो यहाँ देखो मेन जो जुगत अपने को बढ़ानी है, तुम इसको ऐसा लिखो z प्लस टू वाई माइनस जेड ऐसा इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस z प्लस मॉडुलस ऑफ टू वाई माइनस जेड, दिस इज सेम एज टू वाई का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस z प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस टू वाई, क्योंकि z1 वन माइनस जेड टू का मॉडुलस लिखो या z2 टू माइनस जेड वन का मॉडुलस, बात तो एक ही है, ठीक। ये हो गया मेरा काम, इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ z प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस टू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, है कि नहीं। तो हेंस रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू टू, ये इतना हो जाएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो खास बात थी ध्यान देने लायक वो ये थी, पहले तो ये इसको देखो ज़रा घूर घूर के, है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस यहाँ पर लिखा हुआ, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो ये जनरेट कैसे हुआ होगा, तो ये थॉट प्रोसेस आनी चाहिए तुम्हारे को, है ना, ये आना चाहिए, ठीक। यहाँ से तुमको पता चलेगा कि ऐसे तो सॉल्व हो ही नहीं, हो नहीं सकता, समझे, क्योंकि ये फिर फंस रहा है ना, ये कैसे करोगे। देखो अब इनइक्वालिटी तो लिखनी आनी चाहिए कम से कम, इतना तो आना चाहिए कि z1 वन प्लस जेड टू बार जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू जेड वन का मॉडुलस प्लस जेड टू का मॉडुलस, इतना तो लिखना आना चाहिए कम से कम, इतना तो कोई भी लिखेगा ही लिखेगा, कुछ ना कुछ तो तुमको करना आना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत तो आगे बढ़ोगे ना, तो इतना तो स्किल रखना पड़ेगा तुमको। यहाँ जब आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी तो ऐसा लिखने पर है ना, ये फिर अपना मास्टर स्ट्रोक है फिर, कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस टू वाई को तुम मॉडुलस ऑफ टू वाई माइनस जेड लिखो, है ना, और उसके बाद फिर जोड़ लो, है ना, कितना प्यारा सवाल है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में इस तरह की चीज़ें क्लिक हो जाए, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें करने से जो सब्जेक्ट की ब्यूटी है वो तुम पूरी तरीके से एक ऐसा एक्सपीरियंस कर पाते हो फिर, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 50, ठीक है। तो सवाल नंबर 50 कहता है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मॉडुलस ऑफ z प्लस फोर इज लेस देन और इक्वल टू 3, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ z प्लस वन, ठीक है भाई। तो z प्लस वन की सबसे बड़ी वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है और z प्लस थ्री का अगर मेरे को प्ले ओवर अगर करना है, तो जाहिर सी बात है, सॉरी z प्लस फोर का प्रयोग अगर मेरे को करना है, ठीक, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ। देखो z प्लस फोर का तो मेरे को इस्तेमाल करना ही करना है, माइनस थ्री ऐसा, इसका मॉडुलस जो होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस फोर प्लस मॉडुलस ऑफ थ्री, दैट विल बी ऐसा, ठीक, ये हो गया, मॉडुलस ऑफ माइनस थ्री लिख लो ऐसा, है ना। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा 3 + 3, है ना, क्या कहते हो, तो ऐसा आ गया मेरे पास, अब क्या बोलूँ मैं। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू
ऑफ मॉडुलस जेड प्लस वन इज 6, दिस इज योर आंसर, है ना। तो ये जो क्रिएटिविटी है, ये इस तरह का काम क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ, है ना, अभी जो थोड़ी देर पहले भी अभी किया मैंने तुम्हारे सामने, है ना। तो मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 4 का एक्चुअल में तुमको इस्तेमाल करना है अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या करोगे? ये तो आप देख रहे हो ना, मेरे ख्याल में अब तुम भी रेडी हो इस तरह का काम करने के लिए मेरे ख्याल में, ठीक। तो ये इस वजह से नहीं है कि मैंने मतलब बहुत सारे सवाल वगैरह मैंने किए हुए हैं और फिर ये इस तरह के सवाल तो मेरे रटे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये इतनी बुद्धि तुम में जागृत हो जानी चाहिए वो पिछला वाला सवाल को देख कर कि ये जब जेड प्लस वन का मॉडुलस के बारे में कोई बातचीत अगर कर रहा है तो उसमें तुम उसको मुँह तोड़ जवाब दे सको। जैसे कि इससे बहुत सारे सवाल और बनाए जा सकते हैं, जैसे अगर तुमसे बोला जाए कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस जेड प्लस 9, ऐसा क्या करोगे अब? तो बहुत ही आसान है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ जेड प्लस 9 हो जेड माइनस 4 ऐसा, है ना, एक्सेट्रा, सभी का निकाला जा सकता है। देखो मॉडुलस ऑफ, लिखो इसको, जेड प्लस 4 प्लस 5 ऐसा इज लेस देन इक्वल टू, ये हो गया बस सिंपल। तो ये चीज़ कितनी हो जाती है, 3 प्लस 5, ठीक है। तो दिस 8 इज़ योर आंसर टू दिस पार्ट, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो, जेड माइनस 4 है जैसे, तो इसको कर लेते हैं माइनस 4, और मेरे पास दिया है प्लस 4 दिया है ना, तो इसको कर लो प्लस 4 दिया है, तो इसको ऐसा तोड़ो ना भाई, ये प्लस 4 है, माइनस 4 माइनस 8 ऐसा तोड़ लो इसको, ऐसा कर लो, ये हो जाएगा। देखो क्या कहते हो, 3 प्लस 8 ये हो जाता है 11, दिस इज़ योर आंसर, ठीक, टू दिस पार्ट। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो कैसा, थोड़ा बहुत बुद्धि तुम में होनी चाहिए, है ना, ताकि खुद से भी कुछ चीज़ें क्रिएट कर सको, और एक किए गए काम से एक दूसरे जैसा काम अगर तुम कर पाए, मैं बता रहा हूँ टॉप 100 में ऐसे ही आ जाओगे, समझ गए, बहुत आसानी से, है ना। तो ये चीज़ भी हो जाती है ना, सवाल 50 अपना पूरा हो जाता है, ये भी बढ़िया है, ठीक है, ये भी अच्छा है। 51वां सवाल देखते हैं। अच्छा हाँ, ये यार ये भी दिक्कत सवाल है, ये बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्सरसाइज शीट वगैरह में दिग्गज सवालों में आता है ये। तो देखो क्या मामला क्या है, डिस्टेंस ऑफ द रूट्स, है ना, ध्यान दोगे सवाल पर, इससे तुम्हें सीखने को मिलेगा। डिस्टेंस ऑफ द रूट्स, इससे तुम्हें इस सवाल से ये सीखने को मिलेगा कि हर स्टेप में कैसे जुगाड़ जमाना है, आगे अगली वाली स्टेप में अगर जाना है तो उसके लिए डेयरिंग चाहिए रहती है, तो हर स्टेप में किस तरह से जुगाड़ जमाना है ये तुम्हें इस सवाल से समझने को मिलेगा। डिस्टेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, फ्रॉम जेड इक्वल्स टू 0 इज ग्रेटर देन 2/3, ठीक। अब डिस्टेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम ओरिजिन, वो चीज़ क्या है, मॉडुलस जेड है कि नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा है ना वो रहेगा जेड, और डिस्टेंस क्या रहेगी, जेड माइनस, ये ओरिजिन है, जेड इक्वल्स टू 0 इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो बोल रहा है, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज ग्रेटर देन 2/3, ये चीज अपने को साबित करनी है, ठीक है। अच्छा तो देखो कैसे करेंगे, साइन थीटा 1 का मॉडुलस जेड क्यूब प्लस साइन थीटा 2 का मॉडुलस जेड स्क्वायर प्लस साइन थीटा 3 का मॉडुलस जेड ए भगवान प्लस मॉडुलस साइन थीटा 4 का मॉडुलस, ऐसा ये 3 दे रखा है मेरे को, दोनों साइड अगर मैं मॉडुलस उठाता हूँ है ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ मॉडुलस ऑफ इसके पूरे का अगर मैं मॉडुलस अगर उठाता हूँ है ना, तो ये 3 के बराबर तो रहेगा, दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू किसके,
मॉडुलस ऑफ साइन थीटा वन का मॉडुलस ऐसा प्लस है ना, ये ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है, ये ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अच्छा अब तुम देखो, इससे बड़ी वैल्यू अगर मेरे को यहाँ पर लिखनी पड़े तो बड़ी आसानी से लिखी जा सकती है कुछ इस प्रकार, जेड क्यूब का मॉडुलस है ना, जेड स्क्वायर का मॉडुलस प्लस जेड का मॉडुलस प्लस वन, ठीक है। ऐसा मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं साइन थीटा वन का जो मॉडुलस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, तो मैंने बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है और एक बड़ी वैल्यू लिख दी है मैंने यहाँ पर, सब के सब अपनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होंगे, इससे और ज़्यादा तो आगे जा नहीं सकता ये, तो मैंने उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख दी है यहाँ पर, ठीक। बाकी इससे हाँ ये पूरा काम कर लिया मैंने, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पर देखो, लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने लेस देन का साइन लगा हुआ है, ठीक। ऐसा इसीलिए बिकॉज ये वाली जो चीज़ है, ये मैंने यहाँ पर जो लिखी है, ये हमेशा इससे तो बड़ी ही होगी, हमेशा हमेशा पक्का है, ठीक। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ये इनइक्वालिटी वगैरह का तो तुम समझ ही गए होगे किस प्रकार से किया गया है मैंने काम, है ना, अपना वही काम चल रहा है जो अभी तक के अपन करते आ रहे हैं। इसमें देखो मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को, एक मिनट, ठीक है, ये अभी लेस देन और इक्वल टू का साइन अभी यहाँ पर मेंटेन रखो, ठीक। अच्छा अब तुम देखो, क्योंकि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर हो सकती है ना, ये पूरा जो लिखा है और ये जो पूरा लिखा है, ये दोनों बराबर हो सकता है, ठीक। अच्छा अभी देखते हैं आगे, इसको देखो मैं ऐसा कर लेता हूँ, मॉडुलस ऑफ जेड का क्यूब प्लस मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ जेड प्लस वन। अच्छा अब देखो मैं कुछ अच्छा काम करता हूँ, अब लेस देन का साइन मैंने लगा लिया है, इसको ऐसा कर लो, वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, ऐसा करते हुए इन्फाइनाइट टर्म्स मैंने आगे और जोड़ दी। तो अब ये बात पक्की है कि ये वाली जो चीज़ है, दिस इज़ डेफिनेटली बिगर, दिस इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन द अबव क्वान्टिटी इससे, तो इसीलिए अब मैं लेस देन और इक्वल टू का साइन का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। अब देखो मेरे पास सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जी पी विथ फर्स्ट टर्म इज़, इसका पहला टर्म है मेरे पास वन, और जो कॉमन रेशियो है दैट इज़ मॉड जेड, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अच्छा मॉडुलस जेड जो है मेरे पास वन से छोटा होना चाहिए मेरे पास, ठीक, डिस्टेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसको सवाल में एक्चुअल में देना चाहिए था ये कि दैट मॉडुलस ऑफ जेड इज़ लेस देन वन, समझे, क्योंकि ये जो फार्मूला है अभी जो मैं यूज़ करने वाला हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो तभी वैलिड है जब तुम्हारे पास कॉमन रेशियो जो है दैट इज़ लेस देन वन, समझे। तो इसको यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड इज़ लेस देन वन ये चीज़ देनी चाहिए थी, ठीक। अच्छा
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो तुम क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा a अपॉन वन माइनस आर। अब ये चीज़ थी तुम्हारे पास तीन के बराबर है ना, LHS क्या चल रहा था, तीन। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे किस प्रकार से, इसमें ऐसा कर लो इसको, वन अपॉन वन माइनस मॉडुलस ऑफ जेड माइनस थ्री इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये चीज़ हो जाती है वन माइनस थ्री प्लस थ्री टाइम्स ऑफ मॉड जेड, वन माइनस मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मॉडुलस जेड तो तुम्हारे पास वन से हमेशा ही छोटा है, तो ये चीज़ तो हमेशा वैलिड रहेगी। ठीक है, तो उसका अपने को परवाह नहीं करनी। इससे देखो मेरे पास क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन टू बाई थ्री है ना, और यही चीज़ मुझे साबित भी करनी थी। ठीक, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बात, अच्छा तो उन लोगों को वैसे सवाल में देना चाहिए था कि मॉडुलस ऑफ जेड इज़ लेस देन वन। ठीक, तो यहाँ से इस इनइक्वालिटी को मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे कुछ मिलता नहीं मेरे को है ना। मॉडुलस ऑफ जेड ये तो पता ही है अपने को कि वन से छोटा है, ठीक, तो यहाँ इसी इनइक्वालिटी से कुछ नहीं मिलता अपने को। ठीक है, ऊपर वाली जो इनइक्वालिटी है उससे चीज़ें मिल गई अपने को, ठीक, कि मॉडुलस जेड को कैसा होना पड़ेगा, टू बाई थ्री से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, चाहो तो कर सकते हो इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व अगर तुम्हें करना है तो। ये देखो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं तुम्हारे पास, टू बाई थ्री है ना, थ्री मॉडुलस जेड, हाँ तो टू बाई थ्री और वन रहेगा क्रिटिकल पॉइंट्स, ऐसा। वन से अगर तुम बाहर गए तो नेगेटिव होगा साइन, ये प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस साइन के लिए मॉड जेड टू बाई थ्री से बड़ा होना चाहिए और वन से छोटा होना चाहिए। ठीक, वही चीज़ लिखी है मैंने भी, तो वन से छोटा होना चाहिए ये चीज़ ऊपर लिखी हुई होनी चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, कि मॉडुलस ऑफ जेड इज़ लेस देन वन, ठीक है, क्योंकि ऊपर लिखी गई चीज़ों से तो कहीं भी ऐसा नहीं पता चल सकता कि मॉडुलस ऑफ जेड वन से छोटा ही रहेगा। क्या इस इक्वेशन को देखकर पता चलता है, क्या नहीं पता चलता है? ना, नहीं पता चलता है। ठीक, अगले सवाल की तरफ आते हैं। देखो लिखा है जेड वन एंड जेड टू आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सी इज ग्रेटर देन जीरो, देन प्रूव दैट जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अच्छा तो इसका जो LHS है इस इनइक्वालिटी को देखो, जेड वन प्लस जेड टू के मॉडुलस का होल स्क्वायर, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर, ठीक, प्लस जेड वन जेड टू बार प्लस जेड टू जेड वन बार है ना, इज लेस देन और इक्वल टू वही जो RHS में लिखा हुआ है, वन प्लस सी जेड वन स्क्वायर का मॉडुलस प्लस वन प्लस वन बाय सी, ऐसा। ठीक, तो इसमें कुछ कैंसलेशंस वगैरह तो हो रही हैं है ना, जाहिर सी बात है, तो कैंसलेशंस होने के बाद देखो क्या चीज़ दिखती है। इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, जेड वन स्क्वायर प्लस सी टाइम्स जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर बाय सी, ऐसा। तो यहाँ दोनों साइड अगर कैंसलेशन अगर करते हैं तो ये सारा मामला हो जाता है सामने। ठीक,
नहीं एक्चुअल में ठीक है, जैसे मैं प्रूफ करने का तरीका ये रखा है मैंने, मेरे को एक्चुअल में ये चीज़ शुरुआत में ही बतानी चाहिए थी कि अगर मान लेते हैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो हमेशा ट्रू है, तो मैंने साबित कर दिया है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, समझ रहे हो बात ना। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से अगर एक ऐसी चीज़ आती है कि जो हमेशा ट्रू है, तो हाँ ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है फिर। ठीक, तो यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो ये चीज़ देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गई है, सी टाइम्स जेड वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू का होल स्क्वायर बाय सी माइनस जेड वन जेड टू बार माइनस जेड टू जेड वन बार इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा ये बोल सकता हूँ मैं। अच्छा ये चीज़ देखो क्या लिखी हुई है, अंडर रूट ऑफ सी मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ सी मॉडुलस ऑफ जेड टू ठीक का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। होल स्क्वायर ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, देखो एकदम सही लिखा है। ठीक है, इसका जैसे ही तुम स्क्वेयरिंग करोगे यही चीज़ टपक पड़ेगी और दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू हैंस द इनिशियल इनइक्वालिटी है ना इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, हैंस द इनइक्वालिटी टू बी प्रूव वन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक, तो अपन ने जो गिवन इनइक्वालिटी है उसको साबित कर लिया है, किस प्रकार से उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके एक ऐसी चीज़ के बराबर मैं लेकर आया जो कि हमेशा सत्य है, हमेशा ट्रू है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि भाई क्योंकि ये इनइक्वालिटी एक ऐसी चीज़ के इक्वलेंट है जो कि हमेशा ट्रू है, इसका मतलब ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी। ठीक है, जैसे अगर किसी को ने अगर तुम्हें कोई एक इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए दी है कि आप सॉल्व नहीं प्रूव करने के लिए दी है कि आप ये चीज़ साबित करके बताइए कि ये सही है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके एक ऐसी चीज़ के बराबर ले आऊँ है ना, कि भाई ये कंडीशन अगर मान लेते हैं इसके बराबर अगर आ जाती है 2+2=4 या फिर 2+2 is less than 100 ऐसा, तो इस बात का क्या मायने है। इस बात का ये मतलब है कि जो गिवन इनइक्वालिटी है वो इस बात के इक्वलेंट है कि 2+2 is less than 100। अब 2+2 is less than 100 तो एकदम सही बात है हमेशा। ठीक, तो अगर ये बात हमेशा सही है तो इसका मतलब इनइक्वालिटी भी हमेशा सही है, क्योंकि इनइक्वालिटी से ही मैंने ये चीज़ डिराइव की है ना कि 2+2 is less than 100 आ रहा है करके उसी इनइक्वालिटी से। ठीक, तो अगर 2+2 is less than 100 ये बात अगर सही है इसका मतलब ऊपर जहाँ से तुम आए हो वो भी सही स्टेटमेंट है, तुम्हारा सही इनइक्वालिटी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आखिरी इलस्ट्रेशन, ये थोड़ा सा आसान ही है। देखो 24 और 7 मतलब 25, मॉडुलस ऑफ जेड वन कितना हो जाएगा 25 है ना, मॉडुलस ऑफ जेड टू ये चीज़ दी हुई है 6। ये तो जब भी तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स दिखे तुरंत एकदम सतर्क हो जाने का। ठीक है, ये तुरंत सतर्क हो जाने का। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, ठीक है भाई बहुत अच्छी बात है। तो जेड वन प्लस जेड टू इज लेस देन और इक्वल टू 25 प्लस 6 इज लेस देन और इक्वल टू 31। ठीक, तो देयरफॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 31। ये एक तो पहला आंसर हो गया, और जो मिनिमम वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे अपन, इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड वन माइनस मॉडुलस ऑफ जेड टू। ठीक, तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, मॉडुलस ऑफ जेड वन 25 में से 6 गया यानी कितना 19, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज 19, ये हो जाता है मेरे पास आंसर। ठीक है, कितना बढ़िया है 31 और 19 ये आंसर्स आ जाते हैं मेरे पास। ठीक।
ये आंसर है और एक ये आंसर है, ठीक है। इसके बाद आर्ग्यूमेंट वाला वीडियो मैं बनाता हूँ। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसी में इसको खींचना ठीक नहीं है। अगला सब टॉपिक है तुम्हारा आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह और उसमें भी तुम कुछ रोटेशन वगैरह जैसी चीज़ें सीखोगे बहुत प्यारी प्यारी, है ना। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। इसके बारे में इनिशियल वीडियो के इनिशियल पार्ट में बहुत डिस्कशन हुआ है और इसके बारे में भी बहुत डिस्कशन हुआ है। इसका तो तुम इस्तेमाल भी बहुत बार अभी तक कर चुके, ठीक। तो ये इनक्वालिटीज़ वाले जो सवाल हैं इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आउट करना। दोनों इनक्वालिटीज़ कहाँ से आती है, वो सम ऑफ टू साइड्स इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज़ लेस देन द थर्ड साइड, वहीं से आती है सारी इनक्वालिटीज़।